हम आज बात करते हैं हरपेन जी ओमा की। दोस्तों हरपेन जी ओमा, हरपेनजीना की बात करते हैं दोस्तों। हरपेनजीना एक बहुत डेंजरस डिसीज होती है, वायरल इफेक्टेड होती है दोस्तों। ये सेल्फ लिमिटेड होती है, अर्थात इस पे कोई भी कंट्रोल अपना नहीं होता है दोस्तों। और सेल्फ लिमिटेड होने के कारण जब आप देखोगे कोई व्यक्ति को अगर वायरल, खास तौर से अगर बात करें समर रीजन की, समर एरिया में जब आप देखोगे दोस्तों, समर में जब देखोगे तब आपको देखने को मिलेगा यंग चिल्ड्रंस में बहुत कॉमन रूप से दोस्तों, समर मंथ्स के दौरान ये देखने को मिलती है। और जब ये एक बार डेवलप हो जाती है ना, तो सबसे पहली बात है हम लोग डायग्नोस नहीं कर पाते दोस्तों। और जब डायग्नोस नहीं कर पाते तो मैक्सिमम कैरेक्टर में हम लोग जो प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो उस दौरान प्रोटोकॉल फेलियर हो जाता है दोस्तों। हालांकि बहुत सिंपल प्रोटोकॉल है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आसानी से उसको कवर कर लेते हैं, लेकिन हम लोगों को डायग्नोसिस ही नहीं बनता कि हरपेनजीना है दोस्तों। क्यों? क्योंकि अफेक्टेड चिल्ड्रन में यूजुअली जब सिम्टम आप देखोगे तो माउथ सूर होगा, ठीक है, पेशेंट फीवर की भी कंप्लेन करेगा, और आप जब फीवर देखोगे इंटरमीडिएट फीवर आपको देखने को मिलेगा, और एक प्रकार का वायरस जो कि सभी इंट्रो वायरस फैमिली को वहां पर बिलोंग करता है दोस्तों। यानी जो भी वायरस इस प्रकार के हरपेनजीना को प्रोड्यूस करता है वो लगभग सारे वायरस इंट्रो वायरस की श्रेणी में आते हैं दोस्तों, जिसके कारण टिपिकली हरपेनजीना डेवलप होता है। अगर आपका नाम सुना हो आपने दोस्तों, कोजेक्सिकी वायरस, ये जो कोजेक्सिकी वायरस होता है दोस्तों मोस्ट कॉमन होता है, और ये इन्फेक्शन को कॉज करता है दोस्तों। ज्यादातर जब आप देखोगे दोस्तों चिल्ड्रन में, बच्चों के लेवल पर जाओगे तो आपको वहां पर बहुत बार देखने को मिलेगा हाई फीवर डेवलप हो जाता है दोस्तों। और हाई फीवर डेवलप होता है साथ में सोर थ्रोट पर, वहां पर आपको कंप्लेन देखने को मिलेगा। गले में आप जब ऑब्जर्वेशन करने के लिए उसको आप माउथ का फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, आपको डेफिनेटली वहां पर अल्सर देखने को मिलेगा दोस्तों, और ये बहुत कॉमन रूप से देखने को मिलता है। इसलिए कभी भी ऐसा पेशेंट जो गर्मी में आए आपको, खास तौर से चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं हम दोस्तों, जिसकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, ऐसे केसेस में जब अगर वो कॉम्प्लिकेशन लेकर आता है कि उसको गले में अंदर तक डीप में छाले हो रहे हैं और साथ में सोर थ्रोट हो रहा है, गले में बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रहा है, देन आप वहां पर यूज कीजिए दोस्तों। इसीलिए जब आप देखोगे तो ये इन्फेक्शन में आपको ब्लिस्टर देखने को मिलेगा, वेसाइकल देखने को मिलेगा दोस्तों, अल्सर यानी सोर्स देखने को मिलेगा, खास तौर से जो पैलेट रीजन होता है ना, जब आप माउथ का एग्जामिनेशन करोगे तो डीप में जो पैलेट रीजन होता है दोस्तों, तालू जिसको बोलते हैं, उस पैलेट रीजन पर बैक साइड में आपको सोर थ्रोट या अल्सर के रीजन देखने को मिलते हैं दोस्तों। चिल्ड्रन, स्पेशली यंगर चिल्ड्रन में दोस्तों, जब वो किसी भी चीज को, इवन वो निगलेगा भी, ईट करेगा या ड्रिंक करेगा दोस्तों, उसको रिफ्यूज करेगा। रिफ्यूज इसलिए करेगा, अगर उसने जबरदस्ती ली तो वोमिटिंग हो जाता है दोस्तों, और यही कारण है दोस्तों उसको बहुत सीवियर पेन होता है, और इसी कारण से वो बहुत बार पानी भी नहीं पी पाता, खाना भी नहीं खा पाता, तो डेफिनेटली डिहाइड्रेशन के साइन और सिम्टम को डेवलप होने के रिस्क बढ़ जाती है। और यही कारण है जितने गांव के डॉक्टर होते हैं इसका फायदा उठाते हैं, आईवी फ्लूड चढ़ा देते हैं तो मैक्सिमम उसके जो सिम्टम होता है रिकवर हो जाते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं, और जब सिम्टम बढ़ते हैं दोस्तों तो आगे के समय में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करते हैं। इसीलिए बहुत सारी प्रॉब्लम जो होते हैं वहां पर जनरेट होती है दोस्तों। जब काजेस की बात आती है तो जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, हरपेनजीना यूजुअली ग्रुप ए कॉक्सेक्सी वायरस या ग्रुप बी कॉक्सेक्सी वायरस के द्वारा हमेशा कॉज्ड होता है दोस्तों, लेकिन ग्रुप ए जो कॉक्सेक्सी वायरस होता है सबसे ज्यादा कॉमन रूप से कॉज करता है। इसी के लिए, इसके अलावा भी आप जब उस ग्रुप के इंट्रो वायरस को देखोगे तो स्पेशली इंट्रो वायरस 71 और इको वायरस के द्वारा भी कभी कभी वहां पर हरपेनजीना देखने को मिलता है दोस्तों। ये वायरस बहुत ज्यादा हाईली कॉन्टेजियस होते हैं दोस्तों, और आसानी से एक पर्सन से दूसरे पर्सन, एक बच्चे से दूसरे बच्चे में आसानी से रिफर्ड हो जाते हैं दोस्तों, और यही कारण है ये कॉन्टेजियस होते हैं, बहुत तेजी के साथ फैलने वाले होते हैं। इसीलिए स्पेशली स्कूल में जब चिल्ड्रन वहां पर एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो डेफिनेटली दोस्तों चाइल्ड केयर सेंटर में बहुत आसानी से इसको डायग्नोस कर सकते हैं। एक बच्चे को वह डेफिनेटली दूसरे को होते हैं, होने ही वाला है, और रिकरेंटली वहां पर देखने को मिलता है। इसीलिए डॉक्टर सबसे पहले पूछता है आपको ये हुआ तो पहले कभी था आपको, बोले नहीं है, हमारे स्कूल में एक बच्चे को था उसके माध्यम से फैल गया। यानी जो व्यक्ति हरपेनजीना के साथ इन्फेक्टेड होता है मोस्ट कॉन्टेजियस होता है दोस्तों। अर्थात सिंपल ही बात है, जब भी कभी वायरल इन्फेक्शन होती है तो फर्स्ट वीक बहुत डेंजरस होता है दोस्तों। फर्स्ट वीक जब वहां पर सिम्टम और साइंस सामने आते हैं तो डेफिनेटली उसका डायरेक्ट लिंक होता है दोस्तों हरपेनजीना के लेवल पर, और यही हरपेनजीना का लेवल वहां पर आमने सामने देखने को मिलता है। जब हरपेनजीना की बात होती है तो टिपिकली फीकल मैटर के साथ,
जो फिकल मैटर होता है, लेटरिंग वाला, फिकल दस्त वाला, उसके साथ कॉन्टेक्ट में आने पर तुरंत वहां पर वायरस ट्रांसमिटेड हो जाता है दोस्तों। यानी ये कह सकते हैं ये इन्फेक्शन एक इन्फेक्टेड पर्सन के स्नीजिंग, कफिंग के द्वारा भी, ड्रॉपलेट के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में माध्यम से भी वहां पर स्प्रेड होती है। मैंने हमेशा बताया है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में क्या होता है, जब इन्फेक्टेड व्यक्ति छींकता या खांसता है 10 मीटर ऊपर तक एयर में वो जो जर्म्स होते हैं वो जाते हैं और उसके बाद वहीं के उस एटमॉस्फेयर में धीरे धीरे फैल कर ऊपर से नीचे आने लगते हैं। और इस एयर के संपर्क में कोई सामान्य स्वस्थ व्यक्ति आता है दोस्तों तो डेफिनेटली वहां पर वो इन्फेक्टेड हो जाता है दोस्तों। इसीलिए ये वायरस काफी लंबे समय तक किसी भी ऑब्जेक्ट और सरफेस पर लाइव करता है दोस्तों, लाइव रहता है। इसीलिए दोस्तों अगर आप देखोगे, टॉयज देख लो, काउंटर टॉप्स ऑफ वहां पर जो भी खिलौने बच्चे के होते हैं उन पे देख लो, डेफिनेटली वायरस वहां पर पाया जाता है। इसीलिए टिपिकली जब सिम्टम्स की बारी आती है तब हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए वहां पर सिम्टम्स को विशेष तौर से ध्यान रखना पड़ता है। जब आप देखोगे हर्पेन जियोनामा के सिम्टम्स देखोगे तो इंडिविजुअल में दोस्तों बहुत अलग अलग सिम्टम आते हैं, लेकिन ज्यादातर जब सिम्टम देखोगे वो इम्यूनिटी के बेस्ड होता है। जिस बच्चे की इम्यूनिटी कम है उसको बहुत ज्यादा सिम्टम आते हैं, जिस बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग है उसमें केवल हल्के से सिम्टम आते हैं दोस्तों। लेकिन जो माउथ अल्सर होता है, जो सोर थ्रोट होता है वो कॉमन रूप से देखने को मिलता है। इसीलिए हाई फीवर सबसे पहला साइन होता है, हाई फीवर, सोर थ्रोट, रिफ्यूज टू ईट, ब्लिस्टर्स ऑन पैलेट रीजन, अल्सर इन द थ्रोट रीजन, माउथ देट आर ग्रे विथ रेड आउटलाइन। माउथ के लेवल पर जब आप देखोगे दोस्तों बिल्कुल ग्रे कलर का देखने को मिलता है और साथ ही साथ उसकी जो आउटलाइन होती है दोस्तों वो बिल्कुल रेड, एकदम रेडिश हो जाती है, यानी ब्लड का कंजेशन वहां पर हमको देखने को मिलता है दोस्तों। डिफिकल्टी स्वेलिंग हमको देखने को मिलती है, यानी निगलने में बहुत डिफिकल्टी होती है, डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग की कंडीशन देखने को मिलती है दोस्तों। लॉस ऑफ एपेटाइट देखने को मिलेगा, हेडेक देखने को मिलेगा, नेक पेन देखने को मिलेगा, स्वॉलन लिम्फ नोड्स मिलेंगे, गले के आसपास आपको लिम्फ ग्लैंड्स में स्वेलिंग देखने को मिलेगा, टायर्डनेस देखने को मिलेगा दोस्तों, वहां पर आपको एकदम थकावट महसूस होगी, ड्रूलिंग देखने को मिलेगा, वोमिटिंग देखने को मिलेगा दोस्तों। तो ये जब कॉमन सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं तो एक्यूरेट जब आपका डायग्नोसिस बनता है कि नहीं साहब ये नॉर्मल इन्फेक्शन नहीं है, मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी नहीं है, ये एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन है जो बढ़ता जाता है दोस्तों, जिसको हम हर्पेन जीना कहते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि कुछ चिल्ड्रन पेन के कारण ड्रिंक या ईट को भी रिफ्यूज कर देता है, यानी कुछ भी खाने पीने को वो रिफ्यूज कर देगा, और यही कारण है ऐसे बच्चों में मैक्सिमम केसेस में हमको देखने को मिलता है दोस्तों वो डिहाइड्रेशन की श्रेणी में चला जाता है। और वहां पर जब डिहाइड्रेशन होने की रिस्क बढ़ जाती है दोस्तों तो एक बच्चे के लेवल पर ये बहुत डिफिकल्ट होता है डायग्नोस करना, और बच्चे के लेवल पर क्योंकि वो बता नहीं पाता है कि उसको हो क्या रहा है दोस्तों। इसीलिए वो व्यक्ति जो हर्पेन जीना के साथ इन्फेक्टेड होते हैं वो मोस्ट कॉन्टेजियस हो जाते हैं दोस्तों, और इन्फेक्शन के फर्स्ट डेज में तो बहुत डेंजरस इन्फेक्शन दोस्तों कॉन्टेजियस के रूप में फैलती है। इसीलिए वहां पर अगर उस बच्चे को विजुअल सिम्टम पता नहीं है और वहां गांव में किसी भी मतलब छोटे से गांव में अगर उस किसी को होता है तो वहां पर उसके बारे में बता नहीं पाते तो वहां पर रिकरेंटली ये इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में परिवार में फैलना शुरू हो जाती है दोस्तों। इसे हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, यानी फर्स्ट वीक में बहुत डेंजरस कंडीशन में इंक्यूबेट होकर दोस्तों वो ये सारे लोगों में फैलने का वहां पर प्रोसेस शुरू कर देता है। इसीलिए हर्पेन जीना देखने में बहुत सिंपल है लेकिन बहुत डेंजरस होता है दोस्तों। इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो हर्पेन जीना एक क्लिनिकल डायग्नोसिस बेस्ड कंडीशन होती है दोस्तों, जिसमें लेबोरेटरी स्टडीज जनरल इंडिकेट ही नहीं होती क्योंकि वायरल डिसीज है। इसीलिए दोस्तों जब हर्पेन जीना माइल्ड और सेल्फ लिमिटेड इलनेस होती है तो मैक्सिमम 15 डेज में जितना भी नुकसान करना है बॉडी पे, 15 डेज में जितना भी तकलीफ देना है बच्चों को, गले के लेवल पर, सोर थ्रोट के लेवल पर, किसी भी प्रकार से दोस्तों वहां पर सफोकेशन, स्वॉलोइंग डिफिकल्टीज हो, आप वहां पर केवल डिहाइड्रेशन से बचाने की कोशिश कीजिए। तो जब ट्रीटमेंट की बात आती है तो सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन करना है आपको, कैसे भी करके वहां पर दोस्तों उसको वाटर लेवल को मेंटेन करना है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा फीडबैक ये होता है, हमारे पास 3 तरीके हैं। जब इंटरनल हम लोग देते हैं दोस्तों तो S1L1V1Y को या S1L1V1F1B को जब नेगेटिव में देते हैं दोस्तों, ठीक है, नेगेटिव। अब ये देखना है कि नेगेटिव कितना, आपको अगर लग रहा है कि बच्चा बहुत कमजोर है तो आप 3rd डाइल्यूशन से 10th पे जाइए, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं अभी क्यूरेबल केस है, अभी बच्चा हर तरह से थोड़ा बहुत कुछ खा पी रहा है
सीधे टेंथ डायल्यूशन से शुरू कर दीजिए दोस्तों, और टेंथ से आप थर्ड पे आ जाइए, बहुत ही ब्रिलियंट प्रोटोकॉल का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर यहां पर आपको लग रहा है थ्रॉट रीजन में, तो थ्रॉट की जो मेडिसिन मैं हमेशा बताता हूं, एस्टेन, सीथर्डीन, P3, A3, वर1, वेन1 जी को दोस्तों याद रखिएगा, यहां पर हमने BY दोनों हटा दिया, ठीक है। तो यहां पर एस्टेन, C13, P3, A3, वर1, वेन1 जी को नेगेटिव में देना है दोस्तों टेंथ डायल्यूशन में, और डोज बिल्कुल फ्रीक्वेंटली दिन में 6 से 8 बार, क्योंकि जो भी वायरल इन्फेक्शन होती है उसमें डोज हमको फ्रीक्वेंटली देना है दोस्तों, क्योंकि वायरस पे कोई भी मेडिसिन काम नहीं करती, वायरस अपनी ग्रोथ बहुत तेजी से करता है, इसलिए ऐसे तत्व, ऐसे सब्सटेंसेस जो जिसकी खाकर वायरस अपनी ग्रोथ कर रहा है उसको वहां से प्यूरिफाई करके बाहर निकालना जरूरी होता है। उसको जितनी जल्दी हम लोग बाहर निकालेंगे उतनी जल्दी हमारा पेशेंट रिकवर हो जाता है दोस्तों, इसीलिए एस्टेन, सी13, P3A3, वर1, वेन1 जी को नेगेटिव में देना है दोस्तों। इसके अलावा अगर आपको, मैंने जैसे बताया A2C5G, A2C13, वर1G, ये दो में से एक गार्गल पे दीजिए। अगर आप A2C5G देते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अगर A2C5G को इंटरनल गार्गल में देते हैं, इसमें वर1 ऐड कर दीजिए, और साथ में आप एक्सटर्नली थ्रॉट रीजन में A2C13 B या G का दोस्तों वहां पर आप कंप्रेस लगा दीजिए, आप देखेंगे बहुत तेजी के साथ इंफ्लामेशन सबसाइड होना शुरू हो जाता है दोस्तों। लेकिन यहां पर सबसे मेन प्रोटोकॉल होता है किसी भी कंडीशन में दोस्तों पेशेंट को डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात जब आपको लगता है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, इसको निगलने में प्रॉब्लम आ रही है, स्वॉलोइंग में प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, तो यहाँ पर दो मेडिसिन बनती है, एक मोटर न्यूरॉन के लेवल पर स्टिमुलेशन करना, दूसरा बनता है म्यूकस मेम्ब्रेन में सिक्रेशन को बढ़ाना, यानी सेलाइवेशन को बढ़ाना। तो या तो आप C2 की पिल्स दे दीजिए दोस्तों, जब आप C2 की पिल्स देते हो तो म्यूकस मेम्ब्रेन पर डायरेक्ट काम कर जाती है दोस्तों, सीरस मेम्ब्रेन पर डायरेक्ट काम कर जाती है, मैंने कल डिफरेंशिएशन में आपको बताया भी था दोस्तों। तो अगर आप वहां चूसने को देते हो तो C2 के चूसने से जो निगलने के जो सोलाइंग की प्रोसेस होती है मैक्सिमम रिकवर हो जाती है, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसमें नर्वस इन्वॉल्वमेंट है, यानी मोटर नर्व इन्वॉल्वमेंट है, तो दोस्तों मोटर न्यूरोन डिसीजेस जिसका मेन संबंध होता है दोस्तों गले से निगलने के प्रोसेस का, एक बहुत बड़ा डिसऑर्डर होता है जिसको हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर, जिसमें हमारा ब्रेन से सेंसेशन ही नहीं मिलता है कि हाँ ठीक है वहां पहुंच गया निगल लो, वो सेंसेशन ही नहीं आता। तो इसलिए दोस्तों वहां पर S11 को देने से वेगस नर्व डायरेक्ट स्टिमुलेट होती है, और वहां पर मोटर सेंसेशन स्टिमुलेट होकर जो निगलने की प्रक्रिया होती है, डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग की प्रोसेस होती है, उसको वहां पर मेंटेन कर दिया जाता है दोस्तों, और आसानी से वो लेवल को मेंटेन करके डाइजेशन की पूरी प्रोसेस को जनरेट कर दिया जाता है, और यही चीज वहां पर हमको सीखने को मिलती है दोस्तों। तो ये था हमारा आज का हरपेंजीना। जब हरपेंजीना की बात आती है दोस्तों, मेरे पास तो नहीं आया, लेकिन मेरे कलीग से, वो होशंगाबाद में रहते हैं, उनके पास ये केस आया दोस्तों, और उन्होंने मुझे रेफर किया था, मैंने वहीं से एक डॉक्टर के माध्यम से मेडिसिन बनवा के दी थी, 2 महीने के अंदर पेशेंट रिकवर हो गया था, लेकिन मेरे आमने सामने बैठ के हमने डायग्नोसिस नहीं करा दोस्तों, मेरे डॉक्टर दोस्त ने किया था, वो BHMS से, उसने, वो एलोपैथ करते हैं, इसलिए वो हमेशा मुझसे क्वेश्चनिंग करते हैं, वो हमसे मुझसे मेडिसिन पूछते हैं, और जब भी मैं बताता हूँ मेडिकल पे जाकर मेडिसिन ले लेते हैं और वो मेडिसिन दे देते हैं, तो रिजल्ट वहां पर फीडबैक के रूप में उनको देखने को मिलता है दोस्तों। तो ये था हमारा एक छोटा सा हरपेंजीना। दूसरी बात, कल का हमारा टॉपिक आधा रह गया था दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, कंपेरिजन का, इलेक्ट्रोमोपैथिक रेमेडीज कंपेरिजन। जब हम टेबल प्रैक्टिस में बैठते हैं तो हमको कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यूज बिल्कुल मालूम होना चाहिए कि कौन सी मेडिसिन कहां पर काम कर रही है, तो हमको पता है, लेकिन हम कंपैरिजन कैसे करेंगे। यहां पर बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा सिलेक्शन, हम बिल्कुल सही जा रहे होते हैं और अचानक हमारा हाथ चला जाता है दूसरी रेमेडी पर और रिजल्ट फेल हो जाता है, बाद में हम कहते नहीं यार हमने यही रेमेडी देना होता है। तो ऐसी कंडीशन में जब आप किसी भी प्रोटोकॉल को जनरेट करते हो तब आपका प्रोटोकॉल वहां पर बहुत शानदार तरीके से हमारे सामने आना चाहिए दोस्तों। कल हमने देखा था S1 और S5 में अंतर, मैंने आपको बता दिया था कैसे होता है, लेकिन अगर हम S1 और S10 की तुलना करें, ठीक है, तो आपको बहुत इजी वे में, मैंने जब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का लेवल बताया था तो आपको बिल्कुल क्लियर, अगर आपने वास्तव में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को समझा है दोस्तों तो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। मैं आपसे पूछता हूं एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जब आप आम खाते हो, मैंगो, मैंगो को S1 पचाएगा या S10 पचाएगा दोस्तों, दो में से एक जवाब फटाफट बताइए, S1 पचाएगा या S10 पचाएगा मैंगो को। जिन लोगों ने
एस10 बोला है वो बिल्कुल सही है दोस्तों, जिन्होंने S1 बोला वो बिल्कुल गलत है दोस्तों, ठीक है। जब आप किसी भी मेडिसिन यानी रेमेडी की प्रॉपर्टी को स्टडी करते हो दोस्तों, तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में जब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डेवलप होता है तो सबसे पहला आपको पता होता है कि वहां पर कॉम्प्लिकेशन कहां डेवलप होती है दोस्तों, S1 के लेवल पर, स्टमक के लेवल पर, ठीक है। दूसरी बात, जब स्टमक के लेवल पर डेवलप होती है तो आप जब उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी को देखते हो दोस्तों, तो S1 आम को इसलिए नहीं पचाती, आम बहुत गर्म होता है दोस्तों, ठीक है। और गर्म होने के कारण जब उसका पावर आता है वहां पर जनरेशन, तो गैस्ट्रिक जूस का जो फॉर्मेशन होता है वो प्रॉपरली उसको आम को पचा नहीं पाता दोस्तों। और जब वो इंटेस्टाइन पे जाता है तो इंटेस्टाइन, चूंकि ये बहुत ज्यादा हाईली प्रोडक्ट होता है, हाईली एसिडिक प्रोडक्ट होता है, हेवी प्रोडक्ट होता है दोस्तों, तो ऐसी कंडीशन में जब इंटेस्टाइन में बीलियस जूस, जब वहां पर पैनक्रियाटिक जूस और स्वयं इंटेस्टाइनल जूस उसमें मिलता है दोस्तों, तो डेफिनेटली वहां पर इसका डाइजेशन आपको देखने को मिलता है। इसी प्रकार से मीट की बात करते हैं, मीट के लेवल पर हम लोग खाना खाते हैं, मतलब बहुत हैवी वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन के लेवल की बात है दोस्तों, तो ऐसी कंडीशन में जब मीट की बात आती है दोस्तों, 6 टोटल मीट को पचने में 6 घंटे लगते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या मीट स्टमक में पड़ा रहेगा दोस्तों? बिल्कुल नहीं, वो स्टमक में रहेगा जब तक उसको रहना है, उसके बाद में 3 घंटे के बाद में वो आगे की तरफ पास आउट हो जाता है दोस्तों। तो ऐसी कंडीशन में कंप्लीट डाइजेशन के लिए दोस्तों मैक्सिमम 6 घंटे लगते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या मीट को S1 पचा पाएगा? डेफिनेटली नहीं, वहां पर प्रोसेस शुरू कर देगा लेकिन प्रॉपरली पचा नहीं पाएगा, उसको पचाने के लिए S10 का काम होता है दोस्तों। इसीलिए जब आप फार्मेसिस्ट की बात करते हो तो मटेरिया मेडिका के प्रोटोकॉल्स भी आपको पता होना चाहिए, यानी हम फार्मेसी के लेवल को डिस्क्राइब करते जा रहे हैं दोस्तों। इसीलिए हमें याद रखना है कि S1 यूनिवर्सल तथा मेटाबॉलिज्म की मेन रेमेडी है, यानी स्टार्टिंग प्रोसेस में किसी भी मेडिसिन के लेवल पर जब आप देखोगे तो मेटाबॉलिज्म को स्टार्ट करके मेंटेन करने का पहला काम S1 के पास होता है दोस्तों, दूसरा काम S2 के पास होता है दोस्तों, तीसरा काम S5 के पास होता है दोस्तों, चौथा काम S10 का पास होता है दोस्तों, लेकिन पांचवा काम किसके पास है दोस्तों, बता सकते हैं आप? लास्ट मेटाबॉलिक रेमेडीज का नाम दिया जाता है दोस्तों S6, ठीक है। तो ये जो लास्ट मेटाबॉलिक रेमेडी होती है S6 होती है, जो यहां पर इस प्रकार का काम करती है। तो जब S1 को आप यूनिवर्सल रेमेडी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के लिए मान रहे हैं दोस्तों, तो आपको एक चीज और यहां पर सीखने को मिलती है कि S1C1 को नेगेटिव हमने देने को बोला था, आपको याद है, हाइपरथायरॉयडिज्म में और हाइपोथायरॉयडिज्म में, याद आया? S1C1B और S1C2B हाइपो में S1C1B, हाइपर में S1C2B क्यों दिया जाता है, वो इसी से साबित होता है दोस्तों। यानी S1 यूनिवर्सल मेटाबॉलिक प्रोसेस है, और जब हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म को देखेंगे तो हाइपोथायरॉयडिज्म में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और हाइपरथायरॉयडिज्म में मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है दोस्तों, और इसी प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए वहां पर यूज किया जाता है दोस्तों। इसीलिए अगर आप S1 की बात कर रहे हो, ठीक है, मेटाबॉलिज्म रेमेडी है, लेकिन अगर आप S10 को बोलोगे तो क्या बोलोगे दोस्तों? S10 इज ए डाइजेस्टिव रेमेडी, यानी हमारे बॉडी में जितना भी डाइजेशन की प्रोसेस होती है दोस्तों, आप ड्यूओडेनम से लगा के चलिए रेक्टम तक आ जाइए दोस्तों, वहां पर आपको S10 का प्रोटोकॉल देखने को मिलता है। इसीलिए जब इस प्रोटोकॉल की स्टडी की जाती है तब आपको इस तरह से काम करना है। लेकिन आपको यहां पर एक चीज का अंतर मैं आगे और बताने वाला हूं कि जब आप S1 को स्टमक पे काम लेने वाली मेडिसिन बता रहे हैं तो आपको 3 मेडिसिन का स्टडी करना पड़ेगी। पहली करना पड़ेगी वेरोनिका सरेम कोक्लेरिया ऑफिसिनेलिस की, दूसरी स्टडी करना पड़ेगी नक्स वोमिका की, तीसरी स्टडी करना पड़ेगा हाइड्रेस्टिस कैंडेंसिस की। अगर आप वास्तव में S1 के मास्टर बनना चाहते हैं, ओनली स्टडी दिस 3 प्लांट्स, ठीक है। बाकी के प्लांट सपोर्टिव है लेकिन ये मेजर ऑर्गन्स पे काम करती है दोस्तों, हमारे वाइटिलिटी को मजबूत करने का काम करती है, इसीलिए वहां पर हम लोगों को बेसिक डिफरेंस देखने को मिलता है S1 और S10 में दोस्तों। इसीलिए जब आप इस लेवल पर काम कर रहे हो तो आपको ये बारीकियां मालूम होना चाहिए। दूसरी बात करते हैं S2 और S3 में क्या अंतर है दोस्तों, हम लोगों को सिंपल से पता है S3 सेंसरी नर्व पे काम करने वाली मेडिसिन है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि दस्त में S3 का बेहतरीन रोल क्यों देखा जाता है दोस्तों। व्हाई, ऐसी कौन सी मेडिसिन है S2 या S3 में से जो दस्त लाती है, और ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो दस्त बंद करती है, और क्यों? ये चीज आपको यहां समझ में आ जाएगी दोस्तों। जब S2 और S3 की बात की जाती है, अभी कई लोगों ने कल मुझसे पूछा था कि बच्चों को दस्त लगते हैं दोस्तों, S2 इज द बेस्ट प्रोटोकॉल फॉर एनी टाइप ऑफ चाइल्ड बिलो 5 ईयर,
पूछने की जरूरत नहीं है, आप दो ड्रॉप ओनली टू ड्रॉप्स आप अगर D2 में देंगे तो मिरेकल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं बच्चा बहुत कमजोर है सहन नहीं कर पाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप D3 या D4 में दो ड्रॉप दे दीजिए दोस्तों। जब आप देंगे ना, आप 5 से 10 दिन दे के देखिए, पूरी कॉन्स्टिपेशन की टेंडेंसी टूट जाएगी। क्यों टूट जाएगी दोस्तों? क्यों? क्योंकि इंटेस्टाइन में जितने भी सिक्रेशन होते हैं, याद रखिएगा, हम S2 को यूरिनरी सिस्टम पे भी देते हैं। क्यों देते हैं? यूरिन फ्लो को बढ़ाने के लिए देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सिक्रेशन को बढ़ाता है, यानी इंटेस्टाइन में जब आप देखोगे ये सिक्रेशन को पैदा करने का काम करता है, यानी ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर से सिक्रेशन को बढ़ा देता है। अगर बढ़ा देगा तो क्या करेगा दोस्तों? ये कब्ज को बढ़ाएगा या घटाएगा? दोस्तों डेफिनेटली कब्ज को तोड़ने का काम करता है, कॉन्स्टिपेशन को ब्रेक करने का काम करता है दोस्तों, इसीलिए इसका बेहतर वर्क वहां पर हमको देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरी बात, जब हम S3 की बात करते हैं, S3 क्या करेगा दोस्तों? आपने कभी सोचा है कि प्रीमेच्योर इजेकुलेशन होता है या इंपोटेंसी का लेवल जब किसी को डेवलप होता है तो वहां पर क्या होता है? ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में S3 क्या काम करेगा? S3 इंटेस्टाइनल के जो लिम्फ होता है उसको पावर प्रदान करेगा दोस्तों, उसको पावर प्रदान करके वहां पर कब्ज डेवलप करने का काम करेगा, वो कॉन्स्टिपेशन करने का काम करेगा। आप ये चीज को, प्रोटोकॉल को विशेष तौर से याद रखिएगा, जब भी किसी इंपोटेंसी के लेवल पर आप देते हो दोस्तों, तो जब आप सिंगल S3 दे दोगे तो आप देखोगे कि बहुत जबरदस्त कॉन्स्टिपेशन डेवलप होता है, इसीलिए वहां पर RE दिया जाता है। जब आरी का सपोर्ट करोगे आप सिंगल S3 देके देखिएगा एक पेशेंट को, आपको पता लग जाएगा दोस्तों। और यही कारण है कि जब किसी को दस्त लगता है तो आप क्या करते हो? S10 C13 S3 डाल देते हो, ठीक है, और WE डाल कर दे देते हो। पेशेंट तुरंत बोलता है कि साहब मेरा दस्त हो, तो तुरंत बंद हो गया। आपने कर क्या दिया? आपने क्या करा वहां पे? आप ये काम तो आप S को 200 में देके देख लो, दो डोज में आपका दस्त बंद कर देगा। लेकिन वो करेगा क्या? वो वहां पर लिम्फ के पावर को बढ़ाकर कॉन्स्टिपेशन को जनरेट कर देगा दोस्तों। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया। S2 वहां पर सीक्रेशन को बढ़ाकर, जितने भी ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है वहां सीक्रेशन बढ़ाकर दोस्तों कॉन्स्टिपेशन को तोड़ने का काम करती है, जबकि S3 आंतों के लेवल पर, इंटेस्टाइन के लेवल पर दोस्तों, किसी भी लेवल पर आप जाओगे वहां पर लिम्फ जो वहां पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसके पावर को बढ़ाकर वहां पर कॉन्स्टिपेशन पैदा करने का काम करती है दोस्तों। S2 अगर आप देखोगे, जनरली आपको हमेशा याद रखना है, S1 से जहां चक्कर आते हैं S2 का प्रोटोकॉल बनता है, यानी S2 वहां पर सेंग्वाइन टेम्परामेंट और मिक्स टेम्परामेंट वाले रोगियों के दोस्तों बहुत ही ज्यादा अनुकूल होती है, यानी वहां पर तुरंत अडॉप्ट कर लिया जाता है और तुरंत वहां पर रिजल्ट मिलता है दोस्तों। इसीलिए किसी भी प्रकार से स्किन के लेवल पर जितने भी सोरेटिक डिसीज होती है दोस्तों, वहां पर जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम S2 का होता है दोस्तों, जबकि S3 मिक्स टेम्परामेंट यानी कि किसी भी टेम्परामेंट के अनुकूल रखती है दोस्तों। और यही कारण है, यही बेस्ट रीजन है कि ये सेंसरी नर्व पे काम करती है। और जितने भी क्रॉनिक डिसीज होती है, इवन अगर वहां पर किसी को इपिलेप्टिक अटैक आ रहा है, बच्चों के लेवल पर इपिलेप्टिक अटैक आ रहा है दोस्तों, S3 इज अ बेटर मेडिसिन देन अदर। S10, Y, S3 ये जो मेडिसिन होती है एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन होती है दोस्तों। यहां पर जितने भी क्रॉनिक स्किन डिसीज होती है वहां पर ब्रिलियंटली प्रोटोकॉल होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब कभी भी सिंपल इचिंग होती है दोस्तों, तो मैंने आप लोगों को पहले बताया था इचिंग के लेवल पर S3 C1 L1 Ven1 एक एक ड्रॉप एक गिलास पानी में डालकर एक एक चम्मच फ्रीक्वेंटली पिला दीजिए, ये सिंपल इचिंग पे बहुत अच्छे काम करती है। लेकिन यहाँ केवल S3 हटा दीजिए, S2 C1 L1 Ven1 W ऐड कर दीजिए या Y ऐड कर दीजिए, ये कहाँ काम करेगी? जहां पर ड्राइनेस होता है। क्या काम करेगी, क्यों काम करेगी, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। वो क्या करेगी दोस्तों? ड्राइनेस को कम करने का काम करेगी। और ड्राइनेस कम होगा तो क्या होगा? पर्टिकुलर ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर में वापस सिक्रेशन को बढ़ाकर, सीबेसियस और स्वीट ग्लैंड के सिक्रेशन को बढ़ाकर ड्राइनेस कम कर देगी। और ड्राइनेस कम कर देगी तो ड्राई इचिंग खत्म हो जाएगी। यही चीज हमको डीप में समझना थी दोस्तों, इसीलिए डिफरेंट कंपेरिजन में आपको निकाल के बता रहा हूं कि ऐसे काम करती है। और यही चीज IDC में हमको बताना पड़ेगा दोस्तों, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं 1000 डॉक्टर तैयार करिए। प्रोटोकॉल जो भी रिजल्ट आपको जिस पेशेंट पे मिल रहा, कंसाइनमेंट लेटर आप सिलेक्ट करिए उससे, और उसका ऑडियो वीडियो बना कर रखिए। हो सकता है हम लोग जाकर वहां पर खड़े हो जाएं, और जब 1000 डॉक्टर एक जैसे खड़े हो जाएंगे ना, तो गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा कि ये लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस प्रोटोकॉल के बारे में वो स्टडी करेंगे।
और देखेंगे कैंसर से लगाकर बड़े से बड़े लेवल पर हम लोग बहुत इजीली रिजल्ट ले रहे हैं, तो गवर्नमेंट को भी सोचने में मजबूर होना पड़ेगा। फिर वो कहेगा कि ठीक है आप हम आपके लिए वहां पर रिसर्च इंस्टीट्यूट शुरू करते हैं, जैसे अभी कैंसर केयर रिसर्च इंस्टीट्यूट शुरू हुआ है दोस्तों। तो हर कोई डॉक्टर इतना सक्षम नहीं है कि कैंसर के पेशेंट को वहां पर अटेंड कर लेगा, क्योंकि अभी तो हम डायग्नोसिस ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब हम 16 महीने का ये कोर्स को पूरा हैंडल करते हैं, एक बार दो बार हम लोग स्टडी करते हैं, उसके बाद हम लोग इतने मोटिवेटेड हो जाते हैं दोस्तों। आज मैं जिन लोगों का उदाहरण देता था, आज मुझे बहुत खुशी है डॉक्टर चमन सर हमारे ग्रुप में आए हैं दोस्तों। डॉक्टर चमन सर बहुत माने हुए कैंसर स्पेशलिस्ट हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया रोल अदा करते हैं वहां पर, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में उनका स्वागत किया था दोस्तों। तो ये छोटी छोटी टिप्स हमको देखने को मिलती है। अब अगर हम आगे बढ़े दोस्तों, थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं, हमने S2 S3 का कर लिया, अब बात करते हैं S2 S5 का। तो दोनों में भी आपको डिफरेंट नजर आएगा दोस्तों। एक देखोगे तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ब्लेडर लाइक स्ट्रक्चर पे काम करती है, दूसरी देखोगे तो ग्लैंडुलर पे काम करती है दोस्तों। लेकिन दोनों में चेंज देख लीजिए, एक सेंग्वाइन टेम्परामेंट के व्यक्तियों के लिए S2 काम करती है, तो S5 मिक्स्ड टेम्परामेंट में बिलियस टेम्परामेंट वालों के लिए काम करती है। याद रखिएगा, जिनको लीवर से जुड़ा हुआ, आप लोग देते हो ना लीवर के प्रोटोकॉल पे, कितने जल्दी काम करती है S5 दोस्तों। इसीलिए जितने भी बिलियस टेम्परामेंट वाले व्यक्ति होते हैं उनमें सबसे बेस्ट प्रोटोकॉल S5 का होता है दोस्तों, इसीलिए विशेष तौर से याद रखिएगा। S2 को अगर आप देखोगे दोस्तों, अगर कहीं भी यूरिनरी ब्लैडर में किसी भी प्रकार के स्टोन है, उसको करेक्ट करने का काम करती है दोस्तों, उसको बाहर निकाल के, तोड़ के बाहर निकालने का काम करती है। लेकिन अगर आप उसके आफ्टर इफेक्ट देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों, S2 का तो कहीं रोल ही नहीं है। लेकिन यूरेटर क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, यूरिनरी ब्लेडर क्या है, ब्लेडर लाइक स्ट्रक्चर है ना, तो वहां पर रोल नहीं है क्या, 101% दोस्तों। इसीलिए किडनी से जितनी यूरिन बनी है, ब्लॉक हो रही है, यूरिन पास नहीं हो रही, देन यू यूज S2 C2 C17 Vein 1। जब ये प्रोटोकॉल आप यूज करते हो, इससे क्या कर रहे हो, इससे आप देखो यूरिन के फ्लो को आप इंक्रीज कर रहे हो, और जैसे यूरिन का फ्लो इंक्रीज होता है, आप छोटे मोटे स्टोन के, हमारे ग्रुप में क्या काफी दूसरे ग्रुप में भी हम देखते हैं किसी ने 11 mm का स्टोन निकाल दिया, किसी ने 8 mm का निकाल दिया। अरे रास्ता तो 4 mm का होता है, 4 mm से इतना स्टोन कैसे निकला, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, S1 S6 C6 YB का प्रोटोकॉल किडनी पे, S2 C2 C17 Vein 1 G का प्रोटोकॉल आपने यहां दे दिया, साथ में आपने S5 F2 G दे दिया, आपने क्या किया, कंप्लीट तोड़ने का काम, यूरिन के फ्लो बढ़ाने का काम दोनों साथ में दे दिया। अब अगर नहीं स्टोन निकल रहा, टूट के निकल रहा, ऐसे कैसे निकल जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा डैमेज करके जाएगा, जिसमें आपको 15-20 दिन एक्स्ट्रा पेशेंट को मेडिसिन देना पड़ेगा, जो बहुत पेनफुल होगा दोस्तों। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, इसलिए जब स्टोन बड़ा होगा आप थोड़ा सा नेगेटिव करके मेडिसिन दीजिए, और नेगेटिव से पॉजिटिव के लेवल पर आइए, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा दोस्तों। इसीलिए अगर आप S2 को देख रहे हो, यूरिनरी ब्लेडर या यूरिथ्रा के लेवल पर जब स्टोन आता है दोस्तों, उसको नष्ट करने का काम करता है दोस्तों। लेकिन S5 की बात करेंगे दोस्तों, यूरिन में संबंधित कहीं पर भी स्टोन हो, उससे संबंधित कितने भी कष्ट हो, जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हो, सबको दूर करने में S5 का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आप ध्यान रखिए, किडनी फेलियर का प्रोटोकॉल बताइए, C6 S5 क्यों जोड़ा था, आप समझ में आ गया, S5 का मेन रोल वहां पर होता है दोस्तों, जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हो रहे थे, फंक्शनल कॉम्प्लिकेशन हो रहे थे, क्योंकि किडनी के स्ट्रक्चर पे काम करने की C6 दे दी, तो किडनी के ऊपर जो ताज है सुप्रा रीनल ग्लैंड, अब किसी भी ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर पे काम करने की रेमेडी तो आपने दी नहीं, तो किडनी को कंट्रोल कौन कर रहा है, सुप्रारीनल ग्लैंड, ठीक है, स्ट्रेस को कंट्रोल कौन कर रहा है, सुप्रारीनल ग्लैंड। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में जब आप C6 के साथ S5 ऐड करोगे, इसीलिए वो यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड जितने कॉम्प्लिकेशंस होती है सबको करेक्ट करने का काम करती है दोस्तों। S2 का अगर स्पेशल इफेक्ट दोगे तो यूरिनरी ब्लैडर पर और गॉल ब्लैडर पर होता है दोस्तों, जबकि S5 का अगर स्पेशल इफेक्ट देखोगे लीवर पर आपको देखने को मिलता है, मोटर नर्व पर इसका स्पेशल इफेक्ट देखने को मिलता है दोस्तों। इसीलिए S2 को ब्लैडर रेमेडी कहते हैं, S5 को ग्लैंडुलर रेमेडी कहते हैं दोस्तों। अगर आपको लगता है S2 की बात करें, बाइल को आप गाल ब्लेडर से
इंटेस्टाइन में उचित समय पर जब भी आप खाते हो, खाना खाते हो प्रॉपरली दोस्तों, जैसे आपने कुछ खाया वैसे ही गाल ब्लेडर से सीक्रेशन, उसको स्टिमुलेशन मिल जाता है, वो सीक्रेशन लीवर बाइल जूस बनाने लगता है, गाल ब्लेडर में जो पहले स्टोर था वो वहां से तुरंत इंटेस्टाइन में जाने लग जाता है दोस्तों। यानी ये वो प्रोसेस होती है जो डाइजेशन को कंप्लीट करती है दोस्तों। लेकिन जब अगर मान लो गाल ब्लेडर में कोई प्रॉब्लम है तो वहां पर H2 का काम है, यानी वहां पर जो बाइल जूस होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, तब वहां पर H2 का काम है। लेकिन S5 का मेन काम तब होता है दोस्तों जब लीवर में किसी प्रकार का कॉम्पोजिशन और क्वालिटी में डिस्टर्बेंसेस आ जाता है बाइल के, यानी लीवर की गड़बड़ी के कारण दोस्तों, जब बाइल जूस के कंपोजिशन और उसकी क्वालिटी में कभी भी किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंसेस होता है, वो कारण दूर करने के लिए S5 का रोल दिया जाता है। इसीलिए दोस्तों आप देखिए, अभी जैसे ट्राइग्लिसराइड क्लोरिस्टाल की बात होती है, व्हाई यू आर यूजिंग H2, आप क्यों यूज करते हो दोस्तों H2 को, आपने लॉजिक देखिए। हमने कहा D2 की 2 ml 1 लीटर पानी में मिक्स कीजिए और 5 ml सुबह 5 ml शाम को पिलाइए। व्हाई, आप क्या कर रहे हो, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट 3 मेटाबॉलिज्म में से क्या बढ़ा रहे हो दोस्तों, बताइए फटाफट बताइए। हम में से सब शामिल हुए दोस्तों जो इस चीज को समझते हैं, हम वहां पर फेट मेटाबॉलिज्म को बढ़ा रहे हैं। H2 क्या काम करेगा, बाइल जूस को सिक्रीट करेगा, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ाएगा ना। अगर वो बढ़ेगी तो क्या होगा, वो बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक पेनक्रियास को भी स्टिमुलेशन जाएगा, वो भी जरूरत से ज्यादा वहां पर पेनक्रेटिक जूस जो एल्कलाइन फ्लूड होता है, ये एल्कलाइन फ्लूड से बाएंगे तो एसिड चैम को न्यूट्रलाइज कर देंगे और यही सबसे ज्यादा फेट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ये एक फैक्ट है कि सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होता है, उसके बाद प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होता है, उसके बाद फैट मेटाबॉलिज्म होता है। तो दोस्तों जब कार्बोहाइड्रेट और फैट मेटाबॉलिज्म प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हो रहा है उतने में तो हमारी बॉडी उसकी एनर्जी को यूज कर लेती है, और जब फैट मेटाबॉलिज्म होता है तो ज्यादातर केसेस में क्या होता है, आप देखते हैं पेशेंट न तो मोटिवेशन करते हैं, न वर्क करते हैं, खाना पीना सोना बैठना ये काम करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हमको देखने को मिलेगा कि वहां पर ये प्रोसेस डिफॉल्ट हो जाती है और जो फैट होता है वो वहां पर वापस ऐसे प्रोसेस के अंदर चला जाता है कि वो फैट हमारी बॉडी में डिपॉजिट होने लग जाता है। यानी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से हमारी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है एनर्जी की, लेकिन जो फैट होता है वो जाएगा कहां, वो जाएगा नहीं, वो बाहर नहीं जाएगा क्योंकि एक्स्ट्रा है और वो एक्स्ट्रा बहुत लेट होता है। तो ऐसी कंडीशन में वो एक्स्ट्रा फैट वहां पर दोस्तों फैटी एसिड और ग्लिसराल के रूप में कन्वर्ट होगा और आपके बॉडी में एडिपोज टिश्यू में वहां पर जम जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, यही मेन कारण है। तो उसको सुधार दो। ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है दोस्तों, जबकि कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड का लेवल देखा जाए तो हमारे लिए एक हद तक सही भी है, काम करता है, लेकिन एक एज के बाद में वो डिफॉल्ट करने लगता है, वो तकलीफ देने लगता है। अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल प्रॉपर नहीं है, कम है, तो हार्मोन बनेंगे क्या, नहीं बनेंगे दोस्तों, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल से ही हार्मोन बनते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमारे लिए जरूरी है, लेकिन हमारे बॉडी के जब फंक्शन एबनॉर्मली प्रभावित हो जाते हैं तो उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी में डिस्टर्बेंसेस आने के कारण ये प्रोसेस होती है, उसको हम सुधार रहे हैं। आप केवल एक मेडिसिन, मैं चैलेंज करता हूं, केवल एक मेडिसिन से आप बहुत हद तक उसको रिकवर कर सकते हो दोस्तों, और उसके साथ में अगर आपने C4L1-200 दे दिया ना तो सोने पे सुहागा हो जाएगा दोस्तों। आप देखिएगा कितना ब्रिलियंट प्रोटोकॉल का रिजल्ट आपको देखने को मिलता है दोस्तों। इसीलिए ये प्रोसेस बहुत जबरदस्त होती है दोस्तों। अब बात करते हैं H2 और H6 में अंतर क्या है दोस्तों। अब आपने जैसे H5 को देख लिया वैसे ही आपको आप देखिए H2 और H6 में अंतर। अगर आप दोनों प्रोटोकॉल को किसी भी लेवल पर चला रहे हो दोस्तों तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि H2 का मेन रोल होता है वहां पर जितने भी ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वहां पर काम करना, जितने भी नली नुमा स्ट्रक्चर होते हैं वहां पर काम करना। तो इसका मेन प्रोटोकॉल होगा दोस्तों यूरेटर के लेवल पर, यूरिनरी ब्लैडर के लेवल पर, यूरिथ्रा के लेवल पर दोस्तों। लेकिन अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो H2 को ब्लैडर रेमेडी के नाम से जानेंगे हम, और H6 को हम किडनी के रेमेडी के नाम से जानेंगे दोस्तों। लेकिन अगर आप बात करते हो यूरिनरी ब्लैडर या मूत्राशय की, ठीक है, अगर वहां पर आप किसी भी स्टोन का लेवल आपको दिखता है या उसका कहीं कोई प्रॉब्लम, मान लो सिस्टाइटिस हो गया किसी को, वो लेवल दिखता है तो वहां पर आपको सबसे पहले H2 का प्रोटोकॉल है। उसके बाद आपको दिखता है कि H6, तो वहां पर दोस्तों किडनी के स्टोन को खत्म करके बाहर निकालने की पूरी क्षमता आपको H6 में देखने को मिलती है। इसीलिए हम कहते हैं जिन लोगों में 10 mm से ऊपर का स्टोन है आप तुरंत वहां पर चालू कर दीजिए S6-200 मॉर्निंग में, C6-200 इवनिंग में। आप देखिएगा दोस्तों ऐसा क्यों, C6 का क्या रोल है यहां पर, S6-200 का मेन रोल होता है दोस्तों किसी भी प्रकार से वहां पर जो
फ्लो होता है उस फ्लो को मेंटेन करके ब्लड प्रेशर से रिलेटेड रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम के माध्यम से वहां पर पूरे बॉडी के सर्कुलेशन को मेंटेन करना। और C6 का मेन रोल होता है वहां पर किडनी फेलियर की संभावना A6 और C6 के माध्यम से हम खत्म कर देते हैं, यानी किसी भी प्रकार में स्टोन के कारण किडनी के लेवल पर जो डैमेज होता है वो डैमेज नहीं होगा, उस डैमेज से हम उसको प्रिकॉशन में ले आते हैं दोस्तों, इसीलिए वहां पर ये रोल होता है। लेकिन अगर हम इसको और थोड़ा सा डीप में देखें तो S2 का जब आप काम देखोगे, तो अगर हम प्राइमरी इनिशियल इफेक्ट देखें दोस्तों, तो इनिशियल इफेक्ट जो होता है दोस्तों वो हम लोगों को जो पहला इफेक्ट देखने को मिलता है दोस्तों S2 का यूरिनरी ब्लैडर पर देखने को मिलता है दोस्तों, उसके बाद ही ये किडनी के लेवल पर आता है, अर्थात आप इसको डाइल्यूट करोगे तो डायरेक्टली किडनी पर काम करने लग जाएगी दोस्तों। दूसरी बात करते हैं, इसका जो इफेक्ट होता है उसके बाद ही यूरेटर पर आता है दोस्तों, यानी कि आप जैसे जैसे उसको डाइल्यूट करते चले जाएंगे उसके इफेक्ट, ये इस बातों से प्रूफ होता है कि हम जो मेडिसिन को कैरेक्टरिस्टिक डाइल्यूट करते हैं उसकी परिधि बढ़ जाती है दोस्तों। इसीलिए S2 सबसे पहले यूरिनरी ब्लैडर पर, देन किडनी पर, और उसके बाद ही यूरेटर पर काम करता है दोस्तों। तो फिर S6 कैसे काम करेगी दोस्तों? S6 सबसे पहले किडनी पे, उसके बाद जब उसको आप डाइल्यूट करोगे उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर पर, और उसके बाद में ये आगे यूरेटर और उसके लेवल पर दोस्तों यूरेथ्रा के लेवल पर काम करती है। इसीलिए जब आपको ऐसा लगता है कि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है दोस्तों, ठीक है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, तो यहां पर आपको सबसे पहले S2C2 का प्रोटोकॉल देना चाहिए प्रोस्टेट में। अगर प्रोस्टेट S2C2 से कंट्रोल नहीं होता, देन S3C3 का प्रोटोकॉल देना चाहिए, उससे भी कंट्रोल नहीं होता, देन लास्ट प्रोटोकॉल होता है S6C6 दोस्तों। तो ये बेसिक चीज हमको केवल ये देखना है, यहां पर डिफरेंशिएशन ये देखना है कि वहां पर प्रॉपर अगर सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्वमेंट है तो वहां पर दोस्तों S3C3 का मेन रोल है। अगर यूरिनरी ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम है और उसी के कारण, क्योंकि जॉइंट पे होता है, उस जॉइंट में अगर कोई प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा एक्सेशन वहां पर हो रहा है दोस्तों, नाइट में बहुत ज्यादा यूरिनेशन हो रहा है, देन S2C2 का रोल है। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि यूरिन बराबर ड्रिबलिंग करती है, लेकिन कभी अच्छी होती है कभी वहां पर डिबलिंग कर जाती है, कभी रात में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है कभी नहीं होता है, तब वहां पर S6C6L1B का प्रोटोकॉल आपको देखने को मिलेगा, G का प्रोटोकॉल वहां पर देखने को मिलेगा दोस्तों। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जिसके द्वारा हम लोग बहुत सारे डिसीज को वहां पर कंट्रोल करते हैं दोस्तों। इसीलिए हम लोग कहते हैं S2 सैंग्वाइन टेम्परामेंट में और मिक्स टेम्परामेंट वाले रोगों के लिए दोस्तों बहुत पावरफुल वर्क करती है। लेकिन S6 की बात करें दोस्तों, तो S6 लिम्फेटिक टेम्परामेंट के रोगियों के लिए दोस्तों बहुत बेनिफिशियल होती है। इसीलिए टिपिकली इस प्रोसेस को बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग वहां पर रिजॉल्व करते हैं, वहां पर यूज करते हैं दोस्तों। S3 और S5 में अंतर देखें दोस्तों, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी दोस्तों। सर आप खाना हमको भी खिला दीजिए, अशोक सर वीडियो बंद कीजिए ना, आप वीडियो बंद कीजिए, पटेल साहब सबको दिख रहा है ग्रुप में, आप खाना खा रहे हो और मुझे भी दिखा रहे हो और ग्रुप वाले को भी दिखा रहे हो, वीडियो बंद कीजिए आप। समझ में नहीं आता है यार, बहुत बुरा लगता है मुझे। अब S3 और S5 में अंतर देखते हैं दोस्तों। जब हम डिफरेंट टाइप की डिसीजेस क्रिएट करते हैं दोस्तों, तो हमें हर प्रकार के, अब आपको पता है कि S3 और S5 एज इट इज स्किन के लिए काम करती है, लेकिन S3 और S5 में आप बहुत बार गफला कर जाते हो दोस्तों। जब आप किसी भी प्रोटोकॉल को जनरेट करते हो, चाहे स्किन डिसीज में सुपरफिशियल लेवल पर हो या डीप लेवल पर हो, दोनों लेवल पर जब डायग्नोसिस की बारी आएगी दोस्तों, तब वहां पर आपको प्रोटोकॉल देखने को मिलेगा, तब प्रोटोकॉल आपको वहां पर समझने को मिलेगा दोस्तों। यानी S3 की बात करोगे दोस्तों, तो जितने भी टेम्परामेंट की बात करोगे, यानी मिक्स टेम्परामेंट के लेवल पर बहुत जबरदस्त काम करती है दोस्तों। और जब S5 की बात करोगे, तो डेफिनेटली दोस्तों ये वहां पर जितने भी बिलियस टेम्परामेंट के डिसीजेस हैं वहां पर बहुत जबरदस्त काम करेगी दोस्तों। तो इससे आपने क्या सीखा? इससे हमने ये सीखा दोस्तों कि जब मिक्स टेम्परामेंट की बात आती है, डीप स्ट्रक्चर से रिलेटेड डिसीजेस की बात आती है, यानी वहां पर डर्मिस और एपिडर्मिस की बात आ रही है, तो एपिडर्मिस जो बाहरी लेयर होती है दोस्तों, वहां पर अगर कोई प्रोटोकॉल काम करेगा तो S5 काम करेगा। अगर डीप में काम करेगा तो डेफिनेटली दोस्तों वहां पर हम लोगों को डीप में जाने के लिए, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर पर जाने के लिए S3 का प्रोटोकॉल देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज और बता दूं, जब एक्यूट और क्रॉनिक की बात आती है, तो एक्यूट डिसीज में हमेशा सुपरफिशियल रेमेडी दी जाती है,
यानी S5C5 दी जाती है दोस्तों। अर्टिकारिया में क्या दोगे आप? अर्टिकारिया एक्यूट डिसीज के लिए हमारे सामने आएगा, और जब एक्यूट डिसीज के लेवल पर हमारे सामने आएगा तब हमारा टिपिकली दोस्तों वहां पर ये बहुत बढ़िया प्रोटोकॉल सिलेक्ट होता है कि हम वहां पर दोस्तों S5C5A3L1 VAR1 VAN1 Blue Electricity को 200 डाइल्यूशन पे देते हैं और ब्रिलियंट रिजल्ट हमको देखने को मिलता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक्यूट डिसीज पे हमने काम किया, मोटर नर्व के लेवल पर काम किया। लेकिन अगर S3 के लेवल पर बात करेंगे दोस्तों, तो S3 आप जब देखोगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा जितने भी जिद्दी रोग होते हैं, अगर आप एक्जिमा के लेवल पर कोई आता है ना, मैं आपको सिंपल दो मेडिसिन बताता हूं दोस्तों, ओनली टू मेडिसिन आप यूज करके देखिएगा। जब S3 की बात आती है, जितने भी क्रॉनिक अगर एक्जिमा की बात आती है, किसी भी प्रकार के पुराने से पुराने लोगों की बात आती है दोस्तों, तो आपको मैंने बताया है C3 एंटी एलर्जिक का काम करती है नेगेटिव में। तो जब आप S3 C3 को मिलाकर G के साथ एड कर दोगे तो आप देखो कितना बड़ा प्रोटोकॉल जनरेट होता है दोस्तों, ठीक है। सुपरफिशियल में S5C5 VAR1 L1 VAN1 जी का प्रोटोकॉल बनता है, डीप में S3C3 L1 VAR1 VAN1 BG का प्रोटोकॉल बनता है दोस्तों। तब जब आप इस लेवल पर काम करते हो तो आपको पता होना चाहिए, जब एक्जिमा होता है सुपरफिशियल जरूर रहेगा, लेकिन ड्राई स्किन हो रही है, डेड स्किन हो रही है, लेकिन वो डीप से आ रहा है, लेकिन ड्राई एक्जिमा है S5C5। अगर वेट एक्जिमा है S3C3 का प्रोटोकॉल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कोई सा भी कंडीशन हो, लेकिन एक्सटर्नल जब आप अप्लाई करोगे वहां पर आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है दोस्तों। अगर आपने वहां पर S3C3 लगा दिया, मतलब केस बिगाड़ दिया। आप देखिएगा कितना जबरदस्त इंपैक्ट होगा वहां पर दोस्तों। इसीलिए याद रखिएगा, जब S5 आएगा स्किन के जितने भी एक्यूट केस होते हैं या सुपरफिशियल केस होते हैं, वहां पर आपको अप्लाई एप्लीकेशन में दोस्तों S5 का रोल लेना है। S5 A2 C3 जरूर एड कीजिए आप वहां पर। S3 बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, इसलिए C3 एड कर दीजिए। A2 S5 C3 VAR2 YAPP GE का प्रोटोकॉल बनाइए, आप D5 में बना के दीजिए, या आप 100 ml में सबके 10-10 ड्रॉप्स डाल दीजिए किसी भी ऑयल में। खासतौर से नीम ऑयल अगर आपको मिल जाए, नीम ऑयल को, ऑलिव ऑयल को, और वहां पर किसी भी प्रकार से तिल्ली के ऑयल को मिक्स कर लीजिए और वहां पर अप्लाई कराइए दोस्तों। ब्रिलियंट प्रोटोकॉल आपका बनेगा और क्रॉनिक एक्जिमा का लेवल कवर हो जाएगा दोस्तों। अगर आप S3 की बात करते हो, सिंपल से आपको बताया कि S3 सेंसरी की रेमेडी होती है, जबकि S5 मोटर रेमेडी होती है। इसीलिए मैंने अभी स्पाइनल कॉर्ड में आपको पूरा समझाया था कि जब कोई आदमी का हाथ नहीं उठ रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि मोटर सेंसेशन के कारण वहां पर डिफिकल्टी हो रही है। आपको ये देखना है कि वहां पर, क्योंकि मैंने ये भी क्लियर किया कि स्पाइनल कॉर्ड पर सेंसरी और मोटर दोनों सिस्टम होते हैं, ठीक है। अब आप उन दोनों सिस्टम में डायग्नोस कीजिए कि यहां पर सेंसरी इंपल्सेस ब्रेन में जा रही है या नहीं जा रही, और वहां से मोटर इंपल्स आ रही है या नहीं आ रही। दोनों प्रोटोकॉल को देखकर यहां पर सिलेक्ट कीजिए कि सेंसरी और मोटर लेवल आपको यहां पर क्या मेंटेन हो रहा है। तो S3 सेंसरी और S5 मोटर। तो यहां पर हमको यह भी देखना पड़ेगा, जब पैरालिसिस का इफेक्ट आएगा तो पैरालिसिस एक्यूट है या क्रॉनिक है। अगर एक्यूट केस है देन यू यूज S5, लेकिन आपको लग रहा है कि क्रॉनिक है S5 भी यूज कीजिए, लेकिन S3 का प्रयोग इंटरनल कर दीजिए, S5 को बाहर कर दीजिए दोस्तों, और आप रिजल्ट देखेंगे बहुत ब्रिलियंट। स्पेशल पेन क्योर ऑयल जब आप यूज करोगे बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। यही कारण है दोस्तों कि जितने भी S3 का फंक्शन है वो सेंसरी नर्व पर डायरेक्टली है दोस्तों, और उसी प्रकार से S5 का जो फंक्शन है दोस्तों वो मोटर नर्व पर सबसे ज्यादा टिपिकली वर्क करता है, और यही कारण है हमको विशेष तौर से इस प्रोसेस का ध्यान रखना है दोस्तों। लेकिन ये S3 S5 की बात कर ली। अगर हम S5 S6 की बात करें तो हमको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हम कैसे कवर कर सकते हैं दोस्तों। जब S5 की बात करते हो दोस्तों तो S5 इज ए ग्लैंडुलर रेमेडी, जबकि S6 इज ए किडनी की रेमेडी, स्पेसिफिक किडनी के लेवल पर है दोस्तों। इसीलिए S5 वहां पर बिलियस टेम्परामेंट के अनुकूल काम करती है, जबकि S6 लिम्फेटिक टेम्परामेंट के अनुकूल काम करती है दोस्तों। तो जब कभी भी किसी को गाल स्टोन हो, S6 देना मत भूलिएगा, याद रखिएगा S6 देना, गाल स्टोन में भी नहीं भूलना है हमको। इसीलिए दोस्तों जब ये प्रोसेस जनरेट करता है तब हमें बहुत सारे टिपिकल चीजें हमारी प्रैक्टिकली देखने को मिलती है दोस्तों। तीसरी बात, अगर हम S5 की बात करें दोस्तों, जितने भी एक्यूट केसेस होते हैं या जितने भी क्रॉनिक केसेस होते हैं जो सुपरफिशियल पर आकर दोस्तों बहुत ज्यादा परेशान करते हैं,
तब ऐसी कंडीशन में S5 का प्रोटोकॉल नेगेटिव में करके जरूर देना चाहिए दोस्तों। और उसी प्रकार से S6 किडनी पे काम करती है दोस्तों, तो जब स्किन के लेवल पर वेस्ट मटेरियल आके रुक रहा है तभी तो डिसीज क्रिएट करेगा और जब भी तो स्किन डिसीज पैदा करेगा, लेकिन S6 का मालूम है कि ये स्टोन पे काम करती है, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको बाहर निकालने का काम करती है। तो जब इन लेवल पर काम करती है दोस्तों तो टिपिकली हमारे बॉडी से वेस्टेज मटेरियल को बाहर निकालकर ये वहां पर तुरंत इस जितनी भी डिसीज के लेवल पर हम काम करते हैं जहां वेस्ट प्रोडक्ट बाहर नहीं निकल रहा है उसको निकालने के लिए लास्ट मेटाबॉलिक रेमेडी के रूप में S6 काम करती है। इसीलिए हमें इनका तुरंत वर्क देखना जरूरी है दोस्तों। ये S6 डायरेक्टली किडनी पर काम कर रही है, लेकिन S5 को भी आप थोड़ा सा नेगेटिव करोगे दोस्तों, न्यूट्रल या नेगेटिव करोगे, ये भी लीवर से आगे निकलकर किडनी के लेवल पर काम कर जाएगी दोस्तों। इसीलिए इसका जो सेकेंडरी इफेक्ट होता है दोस्तों S6 का, वो यूरिनरी ब्लैडर पर और पूरे यूरेटर और यूरेथ्रा के लेवल पर देखने को मिलता है दोस्तों। और S5 को जब आप नेगेटिव करते जाओगे तो आप देखोगे दोस्तों कि हमारी बॉडी के जितना नेगेटिव करोगे उतना ज्यादा हम इपिडर्मिस से, हम मानते हैं कि सुपरफिशियल रेमेडी है लेकिन डीप में S5 का वर्क कराना है करवा सकते हैं। कैसे करवाना है? नेगेटिव करके। आप डर्मिस के लेवल पर जाओगे तो अगर मान लो ल्यूकोडर्मा का काम करना है आपको तो कैसे करोगे दोस्तों? ल्यूकोडर्मा के लेवल पर जाओगे, अगर हेरिडिटी है तो वेनवन का भी सपोर्ट लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आप जाओगे डर्मिस पे जो मेलेनोसाइट सेल्स होती है उस मेलेनोसाइट पे मेलेनोसाइट पिगमेंट के लेवल पर काम करना है तो S5 को मोर नेगेटिव देना पड़ेगा दोस्तों। जितना नेगेटिव आप जाओगे उतना ज्यादा S5 डीप में जाएगा, यानी एपिडर्मिस से डर्मिस के लेवल पर चला जाएगा और डर्मिस के लेवल पर मेलेनोसाइट सेल्स पर जाकर दोस्तों मेलेनोसाइट के प्रोडक्शन को बढ़ा देगा, उसको स्टिमुलेट करेगा किसके माध्यम से? नर्वाइन होकर दोस्तों। और यही काम हमको ल्यूकोडर्मा में देखने को मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों P1 पेक्टोरल ग्रुप की। P1 और P4 में क्या अंतर है दोस्तों? हम बाद में बात करते हैं P1 P2 की। P1 और P4 में क्या अंतर है दोस्तों? जब आप P1 की बात करते हो दोस्तों, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक के अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की इनिशियल मेडिसिन होती है, ऑलमोस्ट सारे लोगों पर काम करती है दोस्तों, लेकिन 10 साल से ऊपर के बच्चों में या फीमेल में, वहां मेल में काम करेगी लेकिन फीमेल में और 10 साल से छोटे बच्चों में काम हमको देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। इसका मेन काम होता है दोस्तों रेस्पिरेटरी ट्रैक में किसी भी लेवल पर जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, खास तौर से इंस्पिरेशन होता है, सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है उस इंस्पिरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन का अंदर आना, तो ये हमारी बॉडी में एल्वियोलाई के लेवल पर जहां पर ऑक्सीजन आती है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड कहां आती है? वहां से बॉडी के सेल से जितनी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बनकर वहां पर आती है। लेकिन P1 का मेन काम होता है हमारे लंग्स के लेवल पर, खास तौर से एल्वियोलाई के लेवल पर ऑक्सीजन की बॉन्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है, जो वहां पर जो ब्लड होता है उसके साथ जुड़ जाता है और इसीलिए दोस्तों ये हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने का काम करती है दोस्तों। तो P4 का काम क्या होता है? P4 इनिशियली फोर्थ स्टेज के डिसीज पे काम आती है, इनिशियली ओल्ड एज के लेवल पर काम आती है। इनिशियली केवल आप लोग ये जानते हो कि ओल्ड एज पे काम करती है, लेकिन मैं ये बताऊं आपको कि P4 जवान में भी काम आएगी, बुढ़ापे में भी काम आएगी, लेडीज जेंट्स में भी काम आएगी दोस्तों। लेकिन कब काम आएगी? फोर्थ स्टेज में, जब टिश्यू का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जब आप देखते हो अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, एम्फाइसीमा हो गया, इस केसेस में P1 P2 का रोल नहीं होता, P3 और P4 का बहुत बड़ा रोल आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। इसीलिए P4 लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की बहुत बड़ी मेडिसिन होती है, इवन मैं ये कहूं कि लंग्स के लेवल को भी क्योर करने का काम करती है, अर्थात लंग्स के लेवल पर बहुत सारे फंक्शंस को मोटिवेट करने का काम करती है दोस्तों। इसीलिए P1 अगर आप देखोगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लेवल पर जो स्पास्मोडिक प्रॉब्लम आप देखने को मिलती है दोस्तों, जितनी भी स्पास्मोडिक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है वो सब P1 की श्रेणी में आती है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन सॉरी उल्टा बोल रहा हूं मैं, P1 जितने भी लेखों के आप जितने भी स्पाज्म आता वहां पर P1 काम नहीं करती, वहां पर P4 काम करती है स्पाज्मोडिक लेवल पर दोस्तों, ये विशेष तौर से याद रखिएगा आप। P1 अगर आप देखोगे तो म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी लंग्स की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन होता है दोस्तों उसको ठीक करने का काम करती है, लेकिन जो P4 होती है दोस्तों लंग्स के जो टिश्यूज होते हैं
जो बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं वहां पर डिजेनरेशन या डिस्ट्रक्शन हो जाता है दोस्तों, उनको पावरफुल मतलब वो टिश्यू को नर्वाइन लेवल पर पावरफुल देकर दोस्तों वहां पर वो जितना भी कफ होता है उसको बराबर निकालने का काम करती है, तेजी के साथ निकालने का काम करती है। इसीलिए दोस्तों अस्थमा के बेस्ट मेडिसिन का रोल वहां पर P4 अदा करती है जब वो फोर्थ स्टेज में आ जाता है। जब पेशेंट बहुत ज्यादा क्रेपिटेशन करता है, बहुत ज्यादा विजिंग सेंसेशन होता है, तब वहां पर दोस्तों बेस्ट रोल आपको देखने को मिलता है। इसी प्रकार से अगर P1 P2 की बात करें तो P1 दोस्तों हमेशा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का काम करती है, लेकिन P2 की बात करेंगे दोस्तों तो सबसे बेस्ट रेमेडी होती है लंग्स की P2 दोस्तों। ये न केवल ट्यूबरक्लोसिस के लेवल पर, इवन वहां पर लंग्स के लेवल पर जितने भी टिश्यू का डिस्ट्रक्शन होता है वहां पर काम करती है। न केवल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे P2 काम करती है दोस्तों, अपितु ये हमारी बॉडी में एक टिश्यू रेमेडी के रूप में जानी जाती है। यानी ये कहें कि कहीं पर सड़न गलन हो रहा है दोस्तों, तो वहां पर बेटर वे में काम करती है दोस्तों। ट्यूबरक्लोसिस को बहुत बेटर वे में काम करती है, कैंसर को बहुत बेटर वे में काम करती है, लेकिन नेगेटिव में दोस्तों जो मॉडर्न साइंस है वो ये कहता है कि आज जितने भी कैंसर डेवलप हो रहे हैं कहीं ना कहीं इसका ट्यूबरक्लोसिस से लिंक है, अर्थात ट्यूबरक्लोसिस का बिगड़ा हुआ रूप है। इसीलिए हम P2 और V1 को बेसिकली वहां पर यूज करते हैं, बहुत नेगेटिव, केवल दो दो ड्रॉप हम लोग ऐड करते हैं ताकि नेगेटिव में जाए और टिश्यू के डिस्ट्रक्शन को रोके और टिश्यू के रीजनरेशन के प्रोसेस जनरेट करे दोस्तों। तो P2 का रोल होता है लंग्स के लेवल पर किसी भी प्रकार के दोस्तों जो कंजेशन होता है उस कंजेशन को रिमूव करके बाहर करने का मेन रोल P2 का देखने को मिलता है दोस्तों। तो ये डिफरेंस हमको देखने को मिला दोस्तों। अगर हम यही चीज P3 P4 में कर लें दोस्तों, P3 की बात करें तो जनरली क्या होता है, मेटेजी ने देखा P1 थोड़ा सा गर्म रेमेडी होता है, थोड़ा तेज रेमेडी होता है, P2 भी बहुत तेज रेमेडी होता है, लेकिन अगर बच्चों का और फीमेल का शरीर देखें तो बहुत सॉफ्ट होता है और सॉफ्ट रेमेडी की वहां पर जरूरत पड़ी, इसीलिए उन्होंने P3 का वहां पर जनरेशन किया दोस्तों। इसीलिए जब P3 की बात आएगी तो 10 साल से नीचे के बच्चे और फीमेल को आप आंख मीच के P3 दे दीजिए अगर उनमें कोई डिसीज है दोस्तों, लेकिन P4 ओल्ड एज के लेवल पर बूस्टर का काम करती है दोस्तों। P1 अगर आप देखोगे दोस्तों तो स्पेशली P3 की बात करेंगे तो जब कभी भी दोस्तों सिंपल प्रकार की कोई अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होती है दोस्तों, इवन थ्रॉट की इन्फेक्शन होती है दोस्तों, वहां पर P3, इसीलिए हम देखें टॉन्सिल्स के लेवल पर देख लें हम बहुत बढ़िया काम करती है दोस्तों, सिस्ट के जनरेशन के लेवल पर देख ले बहुत बढ़िया काम करती है दोस्तों, इसीलिए वहां पर इसका काम करते हैं। यहां पर किसी भी प्रकार का स्पाज्म नहीं होता, लेकिन P4 जब कभी भी स्पाज्मोटिक कफ होता है दोस्तों वहां पर P4 का रोल बहुत जबरदस्त देखने को मिलेगा। P3 की बात करें, ये वायु प्रणाली यानी ट्रेकिया के लेवल पर काम करती है, ट्रेकिया की जो सेल्स होती है उनको प्यूरिफिकेशन का काम करती है, वहां पर वोकल कॉर्ड हो वोकल कॉर्ड को प्यूरिफाई करने का काम करती है दोस्तों। लेकिन अगर आप P4 की बात करोगे तो P4 वहां पर लंग्स के जो नर्वस टिश्यूज होते हैं दोस्तों, जो टिश्यूज के लेवल पर काम करते हैं वहां पर काम करती है दोस्तों, और नर्वाइन होकर तुरंत वहां पर दोस्तों न्यूट्रिशन का काम करती है, इसीलिए उसका बेस्ट वर्क हमको वहां पर देखने को मिलता है दोस्तों। ये था हमारा छोटा सा फंक्शनल डेमो दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं हम वर्मिफिको ग्रुप की बात करते हैं दोस्तों। V1 और V2 की जब आप बात करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आती है दोस्तों। V1 बहुत बड़ा प्रोटोकॉल होता है दोस्तों, जब आप किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहे होते हैं और आप बहुत खुश हो जाते हैं कि मैंने देखो इसको कंप्लीट कर दिया। पोल कब खुलती है, जब आप V1 देते हो, उसको मॉर्निंग में 5 to 7 days आप V1 दे दो, अगर आपने वास्तव काम किया है, पेशेंट को ठीक किया है, उसको कोई भी सिम्टम रिटर्न नहीं होगा, लेकिन अगर सिम्टम रिटर्न हो गया इसका मतलब आपका काम अधूरा है दोस्तों। तो ये प्रोटोकॉल होता है, इसीलिए V1 का वहां पर आपको देखने को मिलेगा। जब कभी बहुत बार देखा जाता है V1 का प्रयोग से किसी को रिजल्ट नहीं मिलता, और जब V1 के प्रयोग से रिजल्ट नहीं मिलेगा आप देखेंगे V2 को देना चालू कर दीजिए दोस्तों, V2 के देने से तुरंत वहां पर रिजल्ट मिलने लग जाता है, बहुत तेजी के साथ रिजल्ट मिलता है। और यही कारण है, यही एक लाइन पढ़कर मैंने यूज किया था दोस्तों कि V1 को जब हमने नेगेटिव में दिया तो डल हेडेक को हमने ठीक किया दोस्तों। हजारों पेशेंट हमारे पास जो डल हेडेक को लेकर आते थे दोस्तों, उनको हमने ठीक किया V2 से दोस्तों, V1 और V2 के 1000 से। इसीलिए ये प्रोटोकॉल हम बहुत अच्छे से आता है दोस्तों। V1 बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है दोस्तों, और लेकिन V2 का प्रभाव बहुत सॉफ्ट होता है दोस्तों, बॉडी में बहुत सॉफ्ट होता है और बहुत डीप में होता है दोस्तों। इसीलिए मैं कहता हूं V1 से ज्यादा V2 इफेक्टिव है, F1 से ज्यादा F2 इफेक्टिव है दोस्तों। इसीलिए आप देखो V1 में मैंने कहा कि V1 से ज्यादा V2 से हमने डल हेडेक ठीक किया, और यही चीज मैं कहता हूं F1 से ज्यादा हमने सेरेब्रल मलेरिया का जो रेजिस्टेंट मलेरिया होता है वो F2 के 1000 से हमने ठीक किया।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहली मेडिसिन बड़ी बहुत हार्ड बनी और दूसरी मेडिसिन बहुत सॉफ्ट बनी, और यही कारण है F2 वर्ड 2 को ज्यादातर एक्सटर्नल यूज किया जाता है दोस्तों। लेकिन उसका जब रिजल्ट इंटरनल लेने लगे दोस्तों, तो आज बहुत सारे लोग केवल वर1 के जगह वर2 यूज करते हैं और F1 के जगह F2 यूज करते हैं दोस्तों। वर1 का प्रयोग जब आप इंटरनल देखते हो दोस्तों, तो इसका इफेक्ट बहुत हद तक बहुत प्रभावी होता है। हम इसका सबसे बड़ा हमको जो रिजल्ट होता है, हम एब्डोमिनल पेन में देखते हैं दोस्तों, अम्बिलिकल कार्ड में वर1 वाई का 1-1 ड्रॉप डाल के देखते हैं और रिजल्ट हम लोगों को वहां पर दिख जाता है दोस्तों। दूसरी बात करें वर2 का प्रयोग देखते हैं दोस्तों, तो जितने भी प्रकार के एक्सटर्नल स्किन डिसीजेज होते हैं, जितने भी प्रकार के नर्वाइन रोग होते हैं, जितने भी प्रकार के स्पाज्मोडिक ब्रेन के प्रॉब्लम होते हैं दोस्तों, उसमें एक्सटर्नल वर2 का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए मैंने अभी एक्जिमा के प्रोटोकॉल में भी आपको वर2 बताया था कि एक्सटर्नली वर2 उसमें ऐड करके दीजिए दोस्तों, यही बेस्ट प्रोटोकॉल आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों A1 A2। A1 का प्रयोग सबसे ज्यादा कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि A1 का कंपैरिजन भी सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। जब A1 और A2 में अंतर देखोगे दोस्तों, तो आपको हार्ट के फंक्शन पे जाना पड़ेगा। हार्ट के फंक्शन पे जाएंगे तो हमको पता है A1 आर्टरी पे काम करती है। तो आर्टरी क्या काम करती है? आर्टरी हमारे बॉडी में शुद्ध ब्लड को ले जाने का काम करती है। तो जब कभी भी कहीं पर शुद्ध ब्लड में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, तो उससे रिलेटेड डिसीज पर A1 का रोल होता है दोस्तों। तो जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो वहां पर आपकी आर्टरी की वाल पे पड़ने वाले प्रेशर को ही ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो आर्टरी पे जब प्रेशर पड़ रहा है, तो A1 का प्रयोग आप 200 में क्यों कर रहे हो? इसीलिए कर रहे हो कि जो बैरो रिसेप्टर होते हैं दोस्तों, उस पे जब इफेक्ट आता है, वहां पर जब गाढ़ा ब्लड होगा और जब वो आर्टरी के वाल पे प्रेशर क्रिएट करेगा, वही तो ब्लड प्रेशर होगा। अब उस प्रेशर के लेवल को जनरेट हो रहा है, उसको रिड्यूस करना है, A1 का 200 दे दीजिए। बिल्कुल 200 के बाद में मेडिसिन की प्रॉपर्टी बिल्कुल विपरीत हो जाती है, चेंज हो जाती है। यानी स्लास जो दस्त करा रही है, 200 में दे दीजिए, दस्त कराना बंद कर देगी दोस्तों। ठीक है, यही प्रोटोकॉल का लेवल मेंटेन करना है दोस्तों। तो A1 की जब बात करोगे, इस सेंग्वाइन टेम्परामेंट की मेडिसिन से दोस्तों, यानी जितनी भी आर्टरियल डिसीजेस होती है, वहां पर इसका बेस्ट रोल देखने को मिलता है दोस्तों। दूसरी बात, जब A1 हार्ट से पूरी बॉडी के लेवल पर ब्लड सर्कुलेशन पे काम कर रही है, तो A2 क्या काम करेगी? पूरी बॉडी से जो गंदा ब्लड होता है, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा के माध्यम से हार्ट में आता है। तो पूरी बॉडी से हार्ट तक आने में अगर किसी प्रकार के प्रॉब्लम है, मान लो वेरिकोज वेन हो गया, ठीक है, कहीं पर वॉल खराब हो गया, कहीं पर वेस्टेज मटेरियल कड़क वहां पर रुका हुआ है, वो पास आउट नहीं हो रहा, इसका मतलब हमारे जो वेस्ट मटेरियल को लाने वाला चैनल है, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। आप A2 को दे दो। पाइल्स हो गया दोस्तों, किसी को हिमोरेज हो रहा है, क्या करोगे आप? इसीलिए आपको ये याद रखना है दोस्तों, A2 की अपेक्षा बहुत ज्यादा, अगर आप देखोगे दोस्तों, बहुत ही मतलब A1 की अपेक्षा आप देखोगे, A2 बहुत गहरा प्रभाव रखती है, बहुत डीप में प्रभाव रखती है और बहुत सॉफ्ट मेडिसिन भी होती है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों ये जो होता है वीनस डिसीज, बॉडी में कहीं पर भी वीनस डिसीज होती है, उसको कवर अप करने का काम करती है। यही कारण है दोस्तों, जब कहीं पर कैंसर का लेवल डेवलप होता है, ठीक है, ट्यूमर डेवलप होता है, वहां पर क्या होता है? वहां पर एबनॉर्मल सेल्स का मोटिवेशन होता है, फंक्शन होता है, ठीक है, माइटोसिस मियोसिस डिवीजन होता है, लेकिन वहां पर नर्व और आर्टरी वेन बन रही है क्या दोस्तों? एक बार जो बन गई सो बन गई, दोबारा नहीं बनती और नहीं बनेगी। इसीलिए पर्टिकुलर वहां पर पेन जनरेट होगा, वहां पर डिस्ट्रक्शन के प्रोसेस जनरेट होगी, डिजनरेशन के प्रोसेस जनरेट होगी दोस्तों। इसीलिए A2 का रोल कैंसर में बहुत इंपॉर्टेंट है। पेन बंद करते हो तो क्या करते हो आप? कंजेशन एरिया में जब काम करते हो, पेन के लेवल पर काम करते हो, A2 का 200 क्यों हमारा मिरिकल कैंसर के लेवल पर पेन किलर के रूप में काम करता है? क्यों करता है आपको समझ में आ रहा है दोस्तों? ठीक है, A1 जब आर्टेल सिस्टम में जितने भी डिसीज डेवलप होती है, उसको करेक्ट करने का काम करती है दोस्तों। तो A2 क्या करेगी? वीनस सिस्टम पे काम करेगी डेफिनेटली। इसीलिए दोस्तों आर्टी के लेवल पर A1 तो वीनस के लेवल पर A2 का रोल आपको ब्रिलियंटली देखने को मिलता है दोस्तों। जहां पर A1 का प्रयोग आप इंटरनल कर रहे हो, एज वेल एज आप जब सपोर्टिंग में A2 को एक्सटर्नल अप्लाई कर देते हो दोस्तों, इससे बेटर रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जब हम जनरल टॉनिक को या आपका नेचुरल टॉनिक को या फिर पावर बूस्टर को नेगेटिव करके ब्रेन की तरफ भेजते हैं ना, तब आप वहां पर इंटरनल ये देते हो, तो A2 C5 F2 W का जब आप कंप्रेस करते हो ना, आप देखो सोने पे सुहागा, एक सिक्के के दो पहलू के रूप में काम देख लो आप दोस्तों। एक साथ काम होगा और तुरंत काम होगा, इमीडिएट 10 मिनट के अंदर, ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल इस तरह से काम करते हैं दोस्तों।
अगर आप A1 की बात करते हो तो A1 इंफ्लामेटरी, जो एक्यूट इंफ्लामेशन होता है दोस्तों, एक्यूट इंफ्लामेशन का सबसे बेस्ट प्रोटोकॉल होता है दोस्तों, याद रखिएगा। जब कभी भी कहीं पर कोई आप इंफ्लामेशन के प्रोसेस में मेडिसिन को जनरेट कर रहे होते हैं दोस्तों, तो A1 इज ए बेस्ट मेडिसिन फॉर एक्यूट इंफ्लामेशन। अब आप याद कीजिए किडनी फेलियर के लेवल पर, ठीक है। दूसरी बात, जब कभी क्रॉनिक प्रॉब्लम आती है दोस्तों, तो क्रॉनिक प्रॉब्लम में वहां पर प्रोसेस A2 के रूप में देना पड़ेगा आपको। क्रॉनिक कहीं पर कोई इन्फ्लामेशन हो रहा है, उस इन्फ्लामेशन को कवर करने के लिए दोस्तों आपको A2 का प्रोटोकॉल वहां पर जरूर देना पड़ेगा दोस्तों। A1 का अगर आप मेनली काम देखते हो, मान लो कहीं कैपिलरी की बात करेंगे हम दोस्तों, ठीक है, तो A1 का जो मेन काम होता है कैपिलरी के लेवल पर होता है, हार्ट के लेफ्ट साइड पर होता है दोस्तों, वहां से निकलने वाली जो भी एओटा जो होता है, मेन एओटा दोस्तों उसके ऊपर होता है, यानी समस्त आर्टेरियल कैपिलरीज और आर्टियोल्स पर अगर आप देखोगे दोस्तों, तो टिपिकली A1 का रोल देखने को मिलेगा। तो फिर A2 का कहां मिलेगा दोस्तों, आप देखेंगे हार्ट के राइट साइड पर, जो सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावाज होता है दोस्तों, जो वहां पर छोटी छोटी वेन्स होती है जो पर्टिकुलर ऑर्गन्स के लेवल पर ड्रेनेज का काम करती है दोस्तों, यानी वहां से गंदा मटेरियल लाकर सारे ऑर्गन से गंदा मटेरियल उसकी ट्राइब्यूटरीज या उसकी ब्रांचेस के माध्यम से दोस्तों वीनस चैनल में आ जाता है, और वीनस चैनल के माध्यम से वो हार्ट में आ जाता है दोस्तों, वहां पर A2 का रोल देखने को मिलता है। तो केवल टिपिकल चीजें हैं जो आपको मैंने बताई दोस्तों। A1 और A3 में अंतर अगर आप देखेंगे तो क्या होगा दोस्तों, ठीक है, A1 और A3 के लेवल पर जब अंतर देखोगे दोस्तों, तो सैंग्विन टेम्परामेंट के लेवल पर A1 का इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, यानी वहां पर सैंग्विन टेम्परामेंट के प्रत्येक व्यक्ति में दोस्तों बहुत इफेक्टिव काम होता है A3 का। लेकिन A1 और A3 की बात करें तो A1 केवल आर्टेरियल सिस्टम पर बहुत अच्छे से काम करेगी, लेकिन A3 न केवल ब्लड पे काम करेगी, न केवल हार्ट पे काम करेगी, इवन आर्टरी और वेन दोनों पे भी काम कर जाएगी दोस्तों। ये डिफरेंस होता है A1 और A3 में। इसलिए आपको जब कहीं पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आर्टरी के लेवल पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, चाहे हाइपरटेंशन का लेवल होता है, हम A1 का रोल देखते हैं दोस्तों। लेकिन हमको लगता है नहीं साहब, यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरे हार्ट के लेवल को मेंटेन करना है, पूरे ब्लड के लेवल को मेंटेन करना है दोस्तों, देन यू चूज A3 दोस्तों। A1 आर्टरी की मेन मेडिसिन है, लेकिन A3 की बात करोगे दोस्तों तो ये ब्लड पे भी काम करेगी, हार्ट पे भी काम करेगी, राइट साइड भी काम करेगी, लेफ्ट साइड भी काम करेगी, इवन पूरे हार्ट और ब्लड से पूरी कैपिलरीज के लेवल पर काम करेगी दोस्तों। तो जब ये चीज हमको दिख रहा है तो हम A1 की जगह A3 क्यों ना प्रयोग करें दोस्तों। अगर मैं कहूं कि फीमेल रेमेडी है तो C1 के साथ तो A3 को यूज करना चाहिए आपने, ठीक है। जब मेंसेस की बात आती है, एमेनोरिया की बात आती है, मेनोरेजिया की बात आती है दोस्तों, तो आपको तो डायरेक्ट वहां पर A1 यूज ही नहीं करना चाहिए। तो A1 तो आर्टरी पे काम कर रही है और आर्टरी के लेवल पर आप वहां पर काम ले रहे हो दोस्तों, ऐसा क्यों, जबकि वहां से तो गंदा ब्लड निकलता है, वहां तो A2 का रोल होना चाहिए दोस्तों। होता है कि नहीं, कौन जवाब देगा इसका, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है दोस्तों, A1 आर्टरी पे काम करती है दोस्तों, और A3 हार्ट पे काम करती है दोस्तों। इसीलिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखने की है दोस्तों। सेकेंडली बात करते हैं दोस्तों, अगर F1 और F2 की बात करेंगे हम, तो बहुत सारे मैजिक चीज आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। जब मेटी जी ने मेडिसिन को प्रिपेयर किया था तो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मुझसे ऐसी मेडिसिन बन जाएगी S1 के अतिरिक्त जो डायरेक्टली सेंटर पे काम करेगी, यानी नर्वस सिस्टम पे काम करेगी दोस्तों। इलेक्ट्रोमोपैथ में ओनली एंड ओनली वन रेमेडी होती है जो डायरेक्टली नर्वस सिस्टम पे काम करती है दोस्तों, वो होती है F1, ठीक है। हालांकि F1 नर्वस सिस्टम पे काम जरूर करती है, लेकिन अगर आप देखोगे पूरी मेडिसिन पे तो सबसे ज्यादा जो ऑटो इम्यूनिटी को कंट्रोल करने वाली हमारी वेनेरी ग्रुप की मेडिसिन वेन 1 है, वो सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होती है ब्रेन में, यानी आप जब भी वेन 1 को प्रयोग करोगे, इसी एक पूरे नॉलेज के लेवल पर दोस्तों, जितने भी आजकल के जो डॉक्टर्स है इलेक्ट्रोमोपैथ के, वो ज्यादातर हर प्रोटोकॉल में वेन 1 का उपयोग करते हैं दोस्तों। वो एक ही बात करते हैं, हमको क्या लेना देना बाद में पेशेंट बचे नहीं बचे, हम तो वेन 1 दे, जल्दी से जल्दी रिजल्ट दे, इसलिए वेन 1 का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा प्रोटोकॉल में वो करते हैं। लेकिन गलत है दोस्तों, बहुत सारी वहां पर डिफिकल्टीज डेवलप हो जाती है। यानी विशेष रूप से F1 की बात करें तो मैटी जी ने भी इंटरनली प्रयोग किया था दोस्तों, और F2 का प्रयोग एक्सटर्नली किया था दोस्तों। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर फंक्शंस की बात करें दोस्तों, तो F1 का जो फंक्शन होता है टिपिकली दोस्तों, लीवर पर, गाल ब्लेडर पर, बिलियस ट्रैक पर, स्प्लीन पर, आपको बहुत ही ब्रिलियंट प्रोटोकॉल का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। यही चीज अगर हम बात करें F2 की दोस्तों, ये भी सबसे पहले स्प्लीन पर,
इसके बाद लीवर पर, इसके बाद गाल ब्लेडर पर, उसके बाद बिलियरी ट्रैक पे काम करता है। इसीलिए दोस्तों जब आप इंटरनली F1 को S5, F1, C10, A3, L1, W देते हो, इंटरनली कहां पर काम करता है आपको पता चल गया होगा दोस्तों। लेकिन इसी के साथ अगर आपने S6 से C6 से डाल दिया दोस्तों, ठीक है, आज मैं एक प्रोटोकॉल आप लोगों को डालने वाला हूं ग्रुप में, आपको समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है। तो उस लेवल पर दोस्तों जब F2 के प्रयोग से आप जब वहां पर यूज करते हो तो आपको पता होना चाहिए जब F1 का कार्य बंद हो जाता है, F1 काम करना कम कर देती है दोस्तों, देन यू चूज F2। उसके प्रयोग से आप देखेंगे F1 बहुत हार्ड है लेकिन F2 बहुत सॉफ्ट है, बहुत डीप में काम करने वाली मेडिसिन है दोस्तों। इसलिए F1 के छोड़े हुए जितने भी काम होते हैं जहां पर F1 अपना काम कम कर देती है, बंद कर देती है, वहां पर F2 का रोल आपको देखने को मिलता है, यानी जितने भी क्रॉनिक डिजीजेस होती है, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं जहां सेरेब्रल मलेरिया की बात आती है, सिंपल मलेरिया को तो बहुत इजीली कवर कर लेते हैं, लेकिन जब बहुत मतलब सीवियर क्रॉनिक सेरेब्रल मलेरिया के रेजिस्टेंट मलेरिया की बात आती है दोस्तों, ओनली सिंगल मेडिसिन F2 का 1000 बहुत बेटर रिजल्ट देता है, बहुत बेटर प्रोटोकॉल के रूप में हमारे सामने आता है दोस्तों। इसीलिए ये मेडिसिन बहुत ब्रिलियंट वर्क करती है दोस्तों। अब बात करते हैं हम A1 का WE के साथ। आप देखेंगे ये थोड़ी छोटी चीजें पढ़कर ही मैंने दोस्तों नेचुरल टॉनिक बनाया, जनरल टॉनिक बनाया और इन प्रोटोकॉल्स को जनरेट किया है दोस्तों। A1 और WE की बात करते हैं दोस्तों, आपको पता है A1 मैंने पूरा डीप में आपको बताया, A1 आर्टरी की मेडिसिन है दोस्तों, आर्टरी पे काम करती है, शुद्ध ब्लड पे काम करती है। तो WE क्या काम करेगी दोस्तों, WE डायरेक्टली व्हाइट ब्लड सेल्स और जो RBCs होती है दोस्तों, यानी ब्लड के लेवल पर जो RBCs होती है, WBCs होती है, उसको बढ़ाने का काम करती है दोस्तों। यानी डायरेक्टली WBC को मैन्युफैक्चर करके स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करती है दोस्तों। इसलिए एनिमा में सबसे बड़ा प्रोटोकॉल WE होता है दोस्तों, A1 होता है। क्यों हम इसको यूज करते हैं, इसीलिए यूज करते हैं दोस्तों। दूसरी बात, A1 जो होती है पॉजिटिव मेडिसिन है दोस्तों, A1 बहुत पॉजिटिव है, इसको आप हमेशा याद रखिए। इसीलिए जब A1 को पॉजिटिव में दे दिया जाता है हाइपरटेंशन में, कितनी जल्दी ब्लड मतलब हाइपरटेंशन बढ़ जाता है दोस्तों, घबराहट होने लगती है। A1 को अगर आपने पॉजिटिव में दे दिया, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। क्यों होती है, बिकॉज ये पॉजिटिव मेडिसिन है। तो WE क्या है, WE न्यूट्रल मेडिसिन है, और न्यूट्रल मेडिसिन होने के कारण जब आपके पास कोई भी मेडिसिन अवेलेबल ना हो इलेक्ट्रिसिटी में, WE आप वाई नहीं है, आपके पास आर ही नहीं है, आपके पास जी नहीं है, आपके पास बी नहीं है, आपके पास आप WE का प्रोटोकॉल यूज कर सकते हो। WE एक एंटीसेप्टिक का काम करती है, कभी भी किसी वाउंड का आप ड्रेसिंग करते हो WE से D4 से वॉश कीजिए दोस्तों, बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट मिलेगा, बहुत तेजी के साथ सुधरेगा। यही चीज APP को दोगे, APP 200 डायलेशन में दीजिए, हीलिंग रेमेडी है, किसी भी घाव को भर देती है दोस्तों। मैं हमेशा गैंग्रीन के लेवल पर, एक एक्सटर्नल वाउंड के लेवल पर, बड़े वाउंड के लेवल पर जरूर देता हूं दोस्तों, बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट मुझे देखने को मिलता है। इवन दोस्तों सेंग्वाइन टेम्परामेंट के पर्सन के लिए बहुत उपयोगी होती है, लेकिन WE की बात करें दोस्तों, न्यूट्रल होने के कारण आप किसी को भी मिक्स टेम्परामेंट हो, छोटा बड़ा, मेल फीमेल कोई भी हो, बड़े आसानी के साथ दे सकते हो दोस्तों, डेफिनेटली आपको रिजल्ट 100% मिलेगा दोस्तों। A1 की बात करते हैं, Y से डिफरेंस देखते हैं दोस्तों, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा दोस्तों। आप देखेंगे बॉडी के लेवल पर, मैं हमेशा कहता हूं A3 वर्बन Y इज अ बेस्ट प्रोटोकॉल फॉर एनी टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन एंड एनी टाइप ऑफ एलर्जी, मैं हमेशा बोलता हूं। तो दोस्तों आरटी के लेवल पर काम करना है A1 से लीजिए, आरटी के लेवल पर अगर काम करा A1 दे दिया। लेकिन Y की बात करेंगे दोस्तों, तो Y रिलैक्सेंट मेडिसिन होती है, किसी भी लेवल पर रिलैक्स करने का काम करती है दोस्तों, यानी एलर्जी को दूर करने की सबसे बेस्ट मेडिसिन होती है दोस्तों। हमारे इलेक्ट्रोमेपैथ में अगर आप मेडिसिन का सिलेक्शन करेंगे S1 C3 A3 वर्वन Y, आप इसको नेगेटिव कर दो। आप अगर प्योर डिस्टिल वाटर में बना रहे हो 10th डाइल्यूशन दे दो, अगर RS बेस बना रहे हो 30 डाइल्यूशन दे दो। इट इज अ मैजिकल प्रोटोकॉल फॉर एनी टाइप ऑफ एलर्जी, कभी फेल नहीं होगा दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए, कभी फेल नहीं होगा दोस्तों। इसीलिए A1 को अगर आप देखते हो तो ये सेंग्वाइन टेम्परामेंट की रेमेडी जरूर है, लेकिन आप Y को देखते हो ये लिम्फेटिक टेम्परामेंट के अनुकूल होती है दोस्तों, ये ज्यादातर लिम्फेटिक टेम्परामेंट को सपोर्ट करने का काम करती है। इसीलिए मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया, अगर आप जनरल टॉनिक में आरी डाल रहे हो तो आप नेचुरल टॉनिक में हमेशा Y देखो। देखो मैं जब भी प्रोटोकॉल बताता हूं दोस्तों, आपको ज्यादातर प्रोटोकॉल में आप देखेंगे जनरल टॉनिक में आरी और नेचुरल टॉनिक में Y बताता हूं। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अनुकूल होती है कफ टेम्परामेंट के, लिम्फेटिक टेम्परामेंट के। लेकिन जब बात आती है सेंग्वाइन टेम्परामेंट के, तब वहां पर आरी को हम बदल देते हैं बी से,
ठीक है, और यहां पर वाई एज इट इज रखते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है हीलिंग की तो वाई को हटा के जी कर देते हैं, या बी जी ऊपर कर दिया तो बी नीचे कर दिया। तो ये क्या कोरिलेशन होता है, बी जी का कोरिलेशन है, आर ई वाई का कोरिलेशन है दोस्तों, ये दोनों सपोर्टिव रेमेडी होती है, इसलिए हमको ये वहां पर चीजें याद रखना है। जब ए वन जी में अंतर देखोगे दोस्तों, तो आपको ए वन पता है पॉजिटिव मेडिसिन है, तो जी क्या है दोस्तों, जी क्या है, जी नेगेटिव मेडिसिन है, इसीलिए इनका कोरिलेशन कम आता है। आपने कभी सुना है A1 के साथ जी का प्रयोग किया जाए, कहां पर देखा आपने, ठीक है। तो A1 का जो मेन काम होगा वो केवल आर्टेरियल रीजन पर होगा, लेकिन जब जी की मेन बात आएगी ना दोस्तों, तो आपको वहां पर देखना है जी मेन रूप से सपोर्ट किसको करती है, वेन्स को, याद आया, वेन्स को सबसे ज्यादा सपोर्ट करती है, यानी वीनस सिस्टम के लेवल पर आप पाइल्स को देख लो, वेरिकोस वेन को देख लो, कहीं पर किसी चीज के लेवल पर ऑब्जर्वेशन या हीलिंग की प्रोसेस कराना है आप उसको देख लो, स्किन के लेवल पर अगर आपको जितनी भी ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है रेडनेस दिख रही है वहां पर देख लो आप दोस्तों, यानी आप कहीं पर भी टिश्यू डिस्ट्रक्शन की बात आ रही है तो वहां पर नेगेटिव मेडिसिन ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग किया जाता है, जो कभी भी A1 के साथ छूट नहीं होती, हमेशा A2 के साथ छूट होती है दोस्तों, इसीलिए इस चीज को आपको विशेष तौर से कंपेरिजन करके मैं बता रहा हूं दोस्तों। A1 का आरी के साथ कितने लोगों ने S1A1RE का प्रयोग किया है दोस्तों, इट इज एनर्जेटिक बूस्टर। कोई पेशेंट आपके आके बोलता है कि साहब मुझे बीपी डाउन हो रहा, आप S1A1RE के ग्लोबल्स बना के दे दीजिए, ग्लोबल्स D2 के बेस पे होना चाहिए, आप देखेंगे, टाइम नोट कर लीजिए, एक दिन के बाद में पेशेंट आके बोलेगा सर अब ये मेडिसिन लू कि नहीं लू, मैं बिल्कुल नॉर्मल, आप देखोगे ब्लड प्रेशर नॉर्मल। कोई व्यक्ति बोलता है साहब मुझे बहुत कोल्डनेस आ रही, बहुत ज्यादा ठंडापन आ रहा है, तो आप A1RE का रोल देख लीजिएगा दोस्तों, लेकिन जब आप कंपैरिजन करोगे तो A1 सैंग्वाइन टेम्परामेंट के अनुकूल है दोस्तों, जबकि RE लिम्फेटिक टेम्परामेंट के अनुकूल है, लेकिन फिर भी आप जब देख रहे हो मिक्स टेम्परामेंट के लेवल पर आएगा तब आपको S1A1RE का रोल वहां पर देखने को मिलेगा। तो जब लो बीपी होगा वो ज्यादातर केसेस में दोस्तों मिक्स टेम्परामेंट के लेवल पर ही देखने को मिलता है, तब वहां पर S1A1RE का प्रयोग आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिशियल होता है दोस्तों। A1 जब आप देख रहे हो कि ये समस्त आर्टेरियल सिस्टम पे काम कर रही है दोस्तों, तो यहां पर जब आप देखते हो तो आरी का मेन इफेक्ट आपको तो कहां देखने को मिलेगा दोस्तों, स्पाइनल कॉर्ड पे चले जाओ, पीनियल ग्लैंड पे चले जाओ, सेंसरी नर्व पे चले जाओ, हार्ट पे चले जाओ, आप देखोगे आपका जो ब्रेन होता है ब्रेन पे चले जाओ डायरेक्टली, मैंने कहा ना S10 में नेचुरल टैनिक में आरी डाल दो सीधे ब्रेन पे चला जाएगा, नेचुरल टैनिक में C1 RE डाल दो ब्रेन के सेल पे चला जाएगा, तो ये ब्रेन पे भी डायरेक्ट काम करता है, मसल्स पे भी डायरेक्ट काम करता है दोस्तों, स्टमक पे भी डायरेक्ट काम करता है, और जितने भी नर्वस टिश्यूज होते हैं हमारी बॉडी में सारे नर्व्स और नर्वस टिश्यू पर स्पेसिफिक काम करता है आरी दोस्तों। इसीलिए जब हम इलेक्ट्रोमोपैथिक रेमेडीज में जब बात करते हैं दोस्तों, तो वहां पर अगर आपको मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा दोस्तों, ये A1 किसी भी प्रकार का ब्लीडिंग को रोकने में काम करता है नेगेटिव में दोस्तों, और पॉजिटिव में देने पर ये बढ़ाने का काम करता है, लेकिन आरी इलेक्ट्रोमोपैथिक की दोस्तों कोरामिन यानी कि किसी भी प्रकार की एंटी टॉक्सिक रेमेडी है दोस्तों, यानी हमारे शरीर में अगर किसी भी प्रकार से कोई पॉइजन चला जाता है, टॉक्सिक मटेरियल चला जाता है, आप S1RE का प्रयोग कीजिएगा दोस्तों। S1RE इज अ बेस्ट एंटी टॉक्सिक रेमेडी, ठीक है, जब कभी कोई टॉक्सिन आ रहा है हमारी बॉडी में तो वहां पर दोस्तों एंटी टॉक्सिक रेमेडी के रूप में सबसे ब्रिलियंट प्रोटोकॉल काम करता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो फिर A1BE में क्या रोल होगा दोस्तों, ठीक है, A1BE बेजोड़ रक्त अवरोधक औषधि है दोस्तों, यानी आपने अगर A5 पढ़ा है तो इससे बेटर चीज आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। A5 आपने अगर पढ़ा है दोस्तों तो A1 और B का कॉम्बिनेशन है वहां पर, A1 10% 90% B है दोस्तों, ठीक है, तो A1 B का जब आप जोड़ देखोगे दोस्तों तो A1 चूंकि आर्टरी पल काम करती है और B वहां पर आप देखोगे गैंग्लियोनिक नर्वस सिस्टम पे काम करती है दोस्तों, याद रखिएगा गैंग्लियोनिक नर्वस सिस्टम पे काम करती है दोस्तों, और इसी कारण से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के लेवल पर मोटर नर्व को स्टिमुलेट करके रेस्पिरेटरी यानी कि आप गले के, अब याद रखिएगा स्वरयंत्र यानी वोकल कार्ड के कभी भी इंफेक्शन होती है तो हम क्या यूज करते हैं, S1 या S10, P3, C13, A3, VR1, B क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वोकल कार्ड के लेवल पर भी जबरदस्त इंपैक्ट होता है बी का दोस्तों। आप हार्ट में ले लीजिए, हम A3RE का क्यों करते हैं, A1BE क्यों नहीं करते हैं दोस्तों, ठीक है,
आप नर्वस टिश्यू पर ले लीजिए, यानी नर्वस सिस्टम पर भी बहुत बेस्ट प्रोटोकॉल के रूप में बी का काम होता है। बी का मेन वर्क आप देखोगे ना, जितनी भी कैपिलरीज होती है, नर्व का लेवल होता है, उनकी क्वालिटी और उनकी क्वांटिटी को बढ़ाने का काम करता है दोस्तों। कैपिलरीज की क्वालिटी को मेंटेन करने का काम करता है, आर्टरी वेन्स की क्वालिटी को मेंटेन करने का काम करता है दोस्तों, इसीलिए वहां पर बी का मेन रोल होता है। ये हमेशा सैंग्वाइन टेम्परामेंट के अनुकूल होती है दोस्तों। इसीलिए आप, अगर मैं आपको सिंपल सी बात कहूं, अगर आपको मैं हमेशा कहता हूं कि पावर बूस्टर में A1 मिला हुआ है, इसलिए ये मेन का बेस्ट रेमेडी है दोस्तों, तो मैं गलत नहीं हूं दोस्तों। A1 आप देखोगे तो मेल रोगों के लिए, मेल डिसीजेस के लिए दोस्तों, हमारे इलेक्ट्रोमोपैथ में सबसे बड़ा ओहदा प्राप्त है A1 को दोस्तों। A1 इज ए बेस्ट प्रोटोकॉल फॉर एनी मेल रेमेडी। इसीलिए आप देखोगे जब कभी भी प्रोटोकॉल की बात करोगे मेन के लेवल पर, तो मैं आपको हमेशा बोलता हूं, अगर स्पर्मेटोजेनेसिस करना है, पावर बूस्टर D4 उठाइए या फर्स्ट जनरेशन उठाइए, आप वहां पर S3C1V1 डाल दीजिए, ठीक है। ये बेस्ट प्रोटोकॉल है एनी टाइप ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। क्यों? क्योंकि A1 मेल को बहुत ज्यादा शूट करता है बजाय फीमेल के दोस्तों। दूसरी बात, बी की बात करें, बी स्पेसिफिक होती है फीमेल के लिए दोस्तों, ये फीमेल के लिए बहुत स्पेसिफिक होती है, इसीलिए बी का प्रोटोकॉल ज्यादातर फीमेल में दिया जाता है दोस्तों। इसलिए आप जो प्रोटोकॉल को देख रहे हैं ना, आप जो मेरे प्रोटोकॉल में आपको बताता हूं, या आप जो प्रोटोकॉल सिलेक्ट करते हो, आप देखिएगा फीमेल में ऑटोमेटिक आपको तीन रेमेडी हमेशा निकलेगी, C1A3B। दिस थ्री रेमेडीज इज बेस्ट प्रोटोकॉल फॉर एनी टाइप ऑफ फंक्शनल और स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर। बट अगर टॉनिक की बात करेंगे, S2A2RE का प्रोटोकॉल वहां पर देखने को मिलता है दोस्तों, और यही चीज हमको बहुत सारी जगह पर सीखने को मिलती है। लेकिन आप A1 और APP का अंतर आप देखोगे दोस्तों, तो आपको देखने को मिलेगा वहां पर, यानी A1 इंटरनल प्रयोग करती है दोस्तों, तो APP हमेशा एक्सटर्नल प्रयोग की जाती है दोस्तों। जितने भी डॉक्टर्स हैं, ओल्ड एज के जितने भी डॉक्टर्स हैं, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं दोस्तों, वो कभी भी APP को इंटरनल लेना पसंद नहीं करते, वो यही कहते हैं APP एक्सटर्नल काम करती है। लेकिन मैं कहता हूं दोस्तों, APP को जब से इंटरनल मुझे देना शुरू किया है दोस्तों, आप बिलीव नहीं करोगे इतना ब्रिलियंट प्रोटोकॉल का रिजल्ट मिल रहा है दोस्तों। चाहे स्किन के लेवल पर हो, चाहे नर्वस टिश्यू के लेवल पर हो, चाहे स्किन की ग्लैंडुलर सिक्रेशन के लेवल पर हो, चाहे एपिडर्मिस का लेवल हो, चाहे वहां पर डर्मिस का लेवल हो दोस्तों, जब हम वास्तविक में वहां पर सिलेक्शन करना शुरू करते हैं, तब हमें डिटेल में बहुत जबरदस्त रिजल्ट वहां पर देखने को मिलता है दोस्तों। अगर हम इसी बात में आगे बढ़े दोस्तों, तो वहां पर वर्वन और वेनवन का रोल होता है। तो वर्वन एंटी स्पॉज्मेटिक रेमेडी होती है दोस्तों, ये भी नर्वस सिस्टम पर बहुत ब्रिलियंट वर्क करती है दोस्तों। अगर ब्लड ब्रेन बैरियर के लेवल पर अगर कहीं पर भी सर्कुलेशन नहीं पहुंच रहा है, वर्वन किसी भी प्रोटोकॉल में ऐड कर दीजिए, वहां पर प्रोटोकॉल आपका ब्रेन तक पहुंच जाएगा। वर्वन एक ऐसी रेमेडी है जो किसी भी प्रकार के स्पाज्म को कंट्रोल करने का काम करती है। वर्वन एक ऐसी रेमेडी है जो किसी भी प्रकार के, हालांकि ये प्रूवन नहीं है किसी भी बुक में, लेकिन मेरा एक मानना है कि जो तत्व ऐसे हमारी बॉडी में पड़े रहते हैं जो वायरस बैक्टीरिया फंगस के लिए बहुत काम के होते हैं, पैरासाइट के लिए बहुत काम के होते हैं, ये वर्वन उसको वहां से हटाने का काम करता है। जब वो हट जाता है तो या तो जिंदा या मुर्दा पैरासाइट या वायरस बैक्टीरिया हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं दोस्तों। इस पे हमारा काम चल रहा है, इसलिए हम ये बता सकते हैं कि वर्वन एंटी स्पाज्मोडिक, एंटी वायरल, एंटी पैरासाइटिकल, एंटी बैक्टीरियल के रूप में कहीं ना कहीं काम जरूर करती है दोस्तों। दूसरी बात, वेनवन की बात करें तो हमारे पास एकमात्र रेमेडी है दोस्तों जो जितनी भी हेरिडिटिकल, जितनी भी जेनेटल डिसीजेस है, कंपैरिजन के तौर पर दोस्तों वहां पर बहुत ब्रिलियंट काम करती है। और सबसे बड़ी चीज है, जितनी भी ऑटो इम्यूनिटी का लेवल होता है, उस ऑटो इम्यूनिटी को दूर करने के लिए वेनवन 1000, S5 1000 मतलब 1000 और S1 1000 ये सबसे बेटर प्रोटोकॉल होते हैं। इसीलिए आप सोरोसिस के लेवल पर चले जाओ, ऑटो इम्यूनिटी है, ठीक है। जितनी भी जेनेटल लेवल पर, हेरिडिटिकल लेवल पर चले जाओ, वहां पर आपको दोस्तों जितना नेगेटिव दोगे, क्योंकि ये ब्रेन पर सबसे ज्यादा वेनेरो रुकती है दोस्तों, सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होती है, इसीलिए इसको आप जब दोगे तो आपको ज्यादा डोज नहीं देना है दोस्तों, याद रखिएगा। ज्यादा डोज दोगे तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन वहां पर क्रिएट कर देगा, इसीलिए आप इसको 15 दिन में एक या दो डोज या ज्यादा से ज्यादा 3 डोज दीजिए दोस्तों वेनेरोवन को। आप जितना लाइटर डोज दोगे उतना ब्रिलियंट प्रोटोकॉल का रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, हालांकि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट देखने को मिलेगा दोस्तों। S1V1, इसीलिए S1V1 की तुलना की जाती है दोस्तों। S1 जहां पर यूनिवर्सल रेमेडीज है, जो कहीं पर भी किसी भी लेवल पर, यूनिवर्सल लेवल पर दोस्तों, सेल टिश्यू के लेवल पर, ऑर्गन के लेवल पर, ऐसा बॉडी
कारण है कि जितने भी ओल्ड एज के जितने भी सीनियर डॉक्टर्स हैं दोस्तों, वो S1 वेन1 को इसीलिए जबरदस्त वहां पर काम कर रहे हैं दोस्तों। और यही कारण है S1 वेन1 को जब आप सोरोसिस से जैसे केसेस में भी, जो कि अनक्यूरेबल है, आप जब वहां पर यूज करते हो दोस्तों, बहुत ब्रिलियंट प्रोटोकॉल का रिजल्ट मिल रहा है दोस्तों। बहुत पहले मैं डेली देता था, लेकिन अब मैंने जो प्रोटोकॉल चेंज किया तो और मुझे जबरदस्त रिजल्ट मिलने लगे। मैं वीकली देता हूं दोस्तों, S1 वेन1 वीकली L1 के साथ 1000 के साथ वीकली देता हूं, और बाकी सारे प्रोटोकॉल मैंने नए नए अभी जनरेट किए, बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट आ रहा है। ये भी एक बच्चा आया था 13 साल का दोस्तों, विदिन 7 डेज में उसका सोरोसिस 50% रिड्यूस हो गया, ओनली 7 डेज में। ये था दोस्तों हमारा कंपैरिजन का टॉपिक। चूंकि स्पाइनल कॉर्ड का लेवल थोड़ा सा कई लोगों को ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा गैप दीजिए सर, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, तो ये मैंने गैप दिया दोस्तों 2 दिन का। कल से हम फिर उस पर शुरू करेंगे। तो ये था दोस्तों आज का टॉपिक। उम्मीद है कि इन कंपैरिजन के बाद बहुत सारी चीजें आप लोगों को नई मालूम पड़ी होगी, बहुत सारी चीजों का आपको नॉलेज मिला होगा, और उम्मीद है कि प्रोटोकॉल सिलेक्शन में आप लोगों को बहुत मजा आएगा आप दोस्तों। जी सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी बहुत अच्छा था सर क्लास। थैंक यू सो मच सर। ये जो अभी वेन1 के बारे में आपने कहा ना कि आप ज्यादा नहीं यूज करो, तो ये हम हायर डाइल्यूशन के बारे में याद रखे या D4 D6 के भी बारे में याद रखे? मैडम मुझे बताइए, आपके इलेक्ट्रोमोपैथी में इमरजेंसी मेडिसिन है कुछ? ये तो वेन1 ही है ना, तो इमरजेंसी के लिए आप कभी कुछ बचा के रखेंगे कि नहीं? ठीक है, ये मेरा मानना है, मेरे गुरुओं का मानना है कि वेन1 जो होती है ऐसी मेडिसिन है जिसको इमरजेंसी के लिए रखिए आप। जब कभी आपको जेनेटिकल डिसीजेस या हेरिडिटिकल डिसीजेस नजर आती है, ऑटो इम्यून डिसीज आती है, वहां पर आप उसको यूज कर लीजिए, बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट आएंगे। लेकिन अगर हम हर किसी को वेनेरियो देने लग गए ना, तो भविष्य में जो डिसीजेस आ रही है, HIV के लेवल आ रहे हैं, आप कैसे ट्रीट करोगे? ठीक है ना जी, आफ्टर फूड एंटी जीटी मंजे बिफोर फूड एंड एंटी मंजे आफ्टर फूड एंड ही इज ओपन। चंद्रशेखर सर, आपको वीडियो तो आप कीजिए सर। सर चंद्रशेखर जी नहीं सुन रहे सर, किसी की भी सीफोर बहुत गर्म मेडिसिन होता है ना सर, सीफोर 200 में। चंद्रशेखर सर, वीडियो चालू करने से डिफिकल्टी होती है साउंड में, जब रिकॉर्डिंग होती है ना, साउंड के डिफिकल्टी इसलिए होती है कि जितने भी लोग वीडियो चालू रखते हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं नेटवर्क के लेवल पर प्रॉब्लम आती है। ठीक है ना, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि मुझे देखने से कुछ नहीं मिलेगा, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, आपको हमेशा लाइव, इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट बोर्ड पे पहले ही डाल देता हूँ। ठीक है जी सर, सीफोर मेडिसिन बहुत गर्म होते हैं ना सर, हॉट होती है, 200 लेवल में दिए तो कॉन्स्टिपेशन हो सकते है सर? बिल्कुल नहीं, डिजोल्व करती है वो तो, C4L1 बॉडी को गलाने का काम करती है। जी जी सर, सोरायसिस के लेवल पर हमें नेगेटिव में जाना पड़ेगा ना, 200 के लेवल पर? बिल्कुल सर, जो ऑटो इम्यूनिटी को कंट्रोल करती है वो मेडिसिन नेगेटिव जाना पड़ेगा, और जो मेडिसिन आप स्किन के लेवल पर जाएंगे तो वहां पर आपको न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। पहले न्यूट्रिशन दो, यानी कि 3rd से शुरू करो 10th तक, आपको ब्रिलियंट रिजल्ट मिलेगा वहां पर। लेकिन अगर क्रॉनिक केस है देन आपको यूज करना है 200 से नीचे आना। लेकिन मैं आपको सजेशन कहूंगा कि वहां पर आप S5 C5 V1 G30 डाइल्यूशन से शुरू करिए, और बाकी का जो प्रोटोकॉल अकॉर्डिंग टू कंडीशन दीजिए, यानी सुपरफिशियल सबसे पहले गायब कीजिए, जो स्केली स्किन होती है, जो भूसी बनकर स्किन निकलती है, उसको कवर करना है, तो S5 C5 V1 G बेस्ट होता है। उसके बाद ये देखिए कि डीप में कितना है, अगर डीप में ज्यादा है तो फिर S3 C3 का भी प्रोटोकॉल आपको देना पड़ेगा। नमस्ते सर जी, वो C1 का कंपैरिजन नहीं दिया, C1 C2 C3 सर बता दिया मैंने, कल बता दिया मैंने, शुरू में ही बताया था सर, सबसे पहले बताया सर, कल बताया ना सर जी। ठीक है, ठीक है सर। एक पेशेंट को C4L1 दिया 200, तो उनका एक महीने में 2 kg कम हो गया, और वही सेम चीज सर मैंने एक लेडी को दिया, तो वो कह रही है कि उनका वो 15 ही दिन लिए है, और कह रही है कि उनका जो है 2 kg बढ़ गया। ऐसा नहीं है,
परहेज उसने नहीं किया होगा। हाँ ये हो सकता है सर, वो बाहर घूमने गई थी जी, टाइम से लिया नहीं होगा। और दूसरी बात है कि वहां पर आप हमेशा याद रखिए, लेडी में हमेशा S2A1F1V1YG जरूर दीजिए, या फिर ऐसे लोगों को ये S2 जो मैंने बताया ना, 2 ml D2 का लीजिए, 1 लीटर पानी में डाल दीजिए, पैसे अच्छे लपक के ले लीजिए, जब भी सुधरेंगे ये। और उसको बोलिए कि 5-5 ml सुबह शाम इसके साथ ले ले, ठीक है जी सर जी, ऐसा करिए तो आपको पेमेंट भी अच्छा मिलेगा और रिजल्ट भी फास्ट मिलेगा। सर एक 90-year-old एक पेशेंट है, वो उनको मतलब एंजाइटी होती है और रात में सोते समय ना पैर हाथ पैर बहुत हिलाते थे, तो उनको सिर्फ 15 दिन वो W ही लगाए स्पाइन में, उससे उनकी बेटी बोलती कि 90% वो ठीक हो गए। और आपका वो स्लीपिंग पिल दिया था, वो एक बार लेते उनको नींद अच्छी आती है सर जी। तो मतलब सिर्फ 15 दिन में 90% रिजल्ट है सर उनका, तो उनको मैंने सिंथेसिस भी दिया है सर अभी, क्या वो ठीक है? बिल्कुल, सिंथेसिस इज अ बेस्ट प्रोटोकॉल फॉर एनी टाइप ऑफ ओल्ड एज। किसी 45 years वाले में आप सिंथेसिस आप अलग से बना के रख लीजिए 450 ml सिंथेसिस सेकंड डाइल्यूशन प्लस वहां पर आपको WED4, आप 450 ml सिंथेसिस ले लीजिए सेकंड डाइल्यूशन का और उसमें 50 ml WE का D4 डाल दीजिए। मेरे यहाँ मैं आपको कल अभी व्हाट्सएप बना के दे दूंगा, आप देखिए ये मेरा सबसे बड़ा प्रोटोकॉल होता है, मैं इसको संजीवनी नाम देकर सबको देता हूँ पेशेंट। हाँ सर, जैसा आपने बताया था ना पहले हम लोग को, वही मैंने बना के रखा हुआ है। बिल्कुल दीजिए, आप हर पेशेंट को दीजिए, उसके पूरे ऑटो सिस्टम एक्टिवेट हो जाएंगे जो मेन सिस्टम है, वही तो हम भी चाहते हैं जी सर। ओके, तो ये तो फिर मेनोपॉज़ के लिए भी अच्छी हो जाएगी ना? बिल्कुल 100% स्किन डिजीज़ जी हाँ, इसकी दो जनरली अगर हमको कोई डिसीज नहीं है ना दोस्तों, कोई टेंशन नहीं, हम डॉक्टर्स हैं, हमको सबसे ज्यादा इन्फेक्शन होने का खतरा है। आप केवल 2 टाइम लीजिए सुबह शाम, आप जो भी पानी पीते हैं ना, आप गर्म पिए ठंडा पिए कोई मैटर नहीं रखता, आप चाय पिए चाय में डाल लो कोई दिक्कत नहीं, आपके जेब में होना चाहिए, बाहर भी जाओ। मैं हमेशा अपने फर्स्ट एड बॉक्स में जरूर रखता हूँ सिंथेसिस सेकंड डाइल्यूशन WE, ये इतना बूस्टर है कि मतलब मैं बयान नहीं कर सकता। मेरी मदर को कैंसर है 12 साल हो गए और उनको आज तक जितने भी लोग हमारे ग्रुप में मेरे यहाँ आए हैं उनको सबको पता है, वो मेरे कॉर्नर पे रखा रहता है और उनकी चाय जब भी चाय आती सुबह शाम 2 टाइम वो जरूर डालते हैं उसको, वो बोलते हैं कि इसकी हमको आदत हो गई, इसके बगैर हमको कुछ अच्छा ही नहीं लगता। उनका सारा डाइजेशन क्लियर है, मूवमेंट सब बढ़िया है, डायबिटीज बिल्कुल नॉर्मल है, कोई भी प्रॉब्लम उनको देखने को नहीं मिलती, सारी चीज एक्यूरेट है उनकी। ठीक है, थ्रोट पेन एंड फारिंजाइटिस सेम होगा ना जी? सेम मेडिसिन होगा थ्रोट पेन एंड फारिंजाइटिस? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको बताया वहां पर केवल उसमें एक मेडिसिन का चेंज होता है, एक अगर एलर्जिक होता है तो S1 और अगर इन्फेक्टिव होता है तो S10, याद रखिएगा ये दो चीज आप हमेशा याद रखिए दोस्तों। जब कभी पर इन्फेक्शन की बात आती है ना और कहीं पर एलर्जी की बात आती है, तो मैंने आपको हमेशा बताया S1 को नेगेटिव करोगे तो एंटी एलर्जिक हो जाएगी, S10 को नेगेटिव करोगे तो एंटी इन्फेक्टिव हो जाएगी। S10, A3, P3, C13, OR1, B, YG, ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपको सिलेक्ट करना है। अगर ब्लीडिंग आ रही है बर्निंग हो रही गले में बी दे दो, आपको इंफ्लामेशन लग रहा है वाई दे दो, अगर बहुत ज्यादा हीलिंग तेजी से करना है जी दे दो, तो आप या तो वाई बी दे दो या फिर वाई जी दे दो, दो में से एक प्रोटोकॉल आप यूज कर सकते हो। दूसरा, अगर कोई एलर्जी हो रही है बार बार, मान लो GERD के कारण गले में इन्फेक्शन हो रहा है या किसी प्रकार से इन्फेक्शन हो रहा है, तो वहां पर एलर्जिक अगर इन्फेक्शन है तो S10 के जगह केवल S1 कर लो, बाकी एज इट इज आपको प्रोटोकॉल देखने को मिलेगा। एक ही रेमेडी का गेम है, एक एक रेमेडी पर काम हो रहा है दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज यही रखते हैं। थैंक यू मनीष सर, गुड नाइट सर, थैंक यू सर, गुड नाइट।